स्क्रीन वर हॅलो हॅलो आवाज बघ आवाज बघ Hello? स्टार्ट कर। वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो चलिए आज का सेशन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं आर यू रेडी एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा कर सो अच्छा so, इस बार टैक्सेशन में अस्सी पार तो इसके नीचे आपको सोचना भी नहीं है सो आर यू रेडी तो चलिए बेटा स्टार्ट करते आज का सेशन यस बेटा गुड मॉर्निंग राम राम ओके <laughs> okay, और क्या जय माता दी राधे राधे ओके तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ आवाज नहीं आ रही है आ जाएगी आ जाएगी प्लीज कीप साइलेंस यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखो आ जाएगी आवाज ऑनलाइन आवाज, आवाज क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है यस और चलिए। दोस्तों, तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे जहां तक है Uh, हमने कल डिस्कशन स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक डिस्कशन चैप्टर वन में देखा था जिसमें हमने ये समझा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जन्म कैसे हुआ ओके okay, यानी क्यों ऐसा सोचा गया कि यहाँ डायरेक्ट टैक्स लगाना चाहिए और क्यों क्या इनडायरेक्ट टैक्स जहाँ तक आपको ये एग्जाम्पल याद होगा तो ये एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था ये एग्जाम्पल में हमने देखा था कि भाई कोई भी प्रोडेंट बिजनेसमैन अगर उसको बिजनेस करने के लिए कुछ पे करना पड़े तो खुद बैर करने वाला नहीं है ओके okay, वो उसकी कॉस्ट है और वो कॉस्ट जो है वो रिकवर करेगा कस्टमर से जब भी वो गुड सेल करेगा तो उसके बेस पर इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम डेवलप हुआ कि बर्डन इज ट्रांसफरेबल ये ऐसा नहीं हुआ कि आज किसी का मोड़ हो गया और उसने कहा बर्डन इज ट्रांसफरेबल नो इट्स नॉट लाइक दैट ओके जहाँ तक है इंडायरेक्ट टैक्स अगर वो कुछ वहाँ बिजनेस करने के लिए पे कर रहा है तो उसका बर्डन डेफिनेटली ट्रांसफर करेगा टू होम टू कस्टमर और आज ये कस्टमरी प्रैक्टिस फॉर्मलाइज हुई जीएसटी में पहले था एक्साइज में वैट में ओके तो आप ये देख रहे हो पर इनकम टैक्स क्यों जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया और इस एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश की कि भाई कहीं तो हमें डबल टैक्सेशन तो नहीं लग रहा है हम आके बिजनेस टैक्स भी दे रहे हैं उसके बाद में इनकम टैक्स भी दे रहे हैं तो कहीं यहाँ पे डबल टैक्सेशन तो नहीं लग रहा है तो नहीं गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट टोटली अलग है जैसा जो भी आपको बिजनेस टैक्स लग रहा है इसका बर्डन आप ट्रांसफ़र करोगे क्योंकि वो बिज़नेस की कॉस्ट है ओके एंड ट्रांसफरेबल टू द कस्टमर जो आप प्राइस में रिकवर करोगे लेकिन दोस्तों तक देखा अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट ही माइड भी फ्रॉम इंडिविजुअल एंगल तो वो ऐसा लगता है कि एंडियो हार्डशिप है कमाओ मैं मेहनत में करूं और गवर्नमेंट सीधा सीधा थर्टी फोर्टी परसेंट ले लेगी लेकिन जहां तक अगर आप बात करो कंट्री के हिसाब से तो किसी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए इसलिए उनके तिजोरी से पैसा निकालो वो उसका ऑब्जेक्ट था किसका बेटा इनकम टैक्स का आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो इसलिए कहा जाता है कि इनकम टैक्स इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी मैंने क्या कहा इनकम अर्निंग एक्टिविटी एक्टिविटी और जहां तक है यहां क्लियर है सभी को जो यहाँ ऐप पे कनेक्टेड है जो यहाँ यूट्यूब पे कनेक्टेड है सबको वॉइस क्लियर है हाँ आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐप पे कनेक्ट हुए हैं यस चलिए मैं यही कहूँगा कि आप ऐप से कनेक्ट हो जाओ जितना हो सके यूज टू हो जाओ ऐप से ओके तो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐप पे कनेक्ट हुए हैं तो यानी हमारे डेमो सेशन खत्म होने के बाद आपको ऐप आप में कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप ऐप से यूज टू हो जाओगे okay. चलो यहाँ पे वॉइस थोड़ा इंक्रीज करना है आ, हेलो वहाँ से बढ़ा दे ऊपर वाला थोड़ा आगे बाहर आगे कर दे यहाँ वो प्रॉपर्टीज में जाके कर नहीं वो रेड़ पे आना चाहिए मेरा आवाज़ रेड़ पे आना चाहिए हेलो ओके जस्ट जस्ट मिनट यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जा राइट क्लिक कर उसको नहीं वहाँ पे नहीं जस्ट मिनट यहाँ एक मिनट यहाँ से बढ़ा गया यहाँ कहाँ गया प्रॉपर्टीज वाला कहाँ नॉइस फिल्टर या तो फिल्टर रिमूव करके फिल्टर रिमूव कर दे नॉइस फिल्टर कर नॉइस फिल्टर रिमूव कर दे पर यहाँ प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन आता है ये यहाँ से बढ़ा दे तो वॉइस कंट्रोल पैनल में रहते वॉइस कहाँ पर वहां से एक मिनट हेलो हेलो हाँ थोड़ा सा बोला चलिए सो वापस आ जाओ हमारे डिस्कशन पे तो यहां पे जहां तक देखा जाए प्लीज 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 तो यहां ऑब्जेक्ट इनकम टैक्स का टोटली अलग है और इनडायरेक्ट टैक्स का यहां पे टोटली अलग है वो बिजनेस टैक्स है ट्रांसफरेबल टैक्स है द एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर ठीक है इसलिए मैं आपको ये अभी कहना चाहता हूँ जैसे इनकम टैक्स में आपने प्रीवियस फिनेंशियल ईयर ओके जहाँ तक असेसमेंट ईयर इस तरह के कन्सेप्ट पढ़े लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ कोई असेसमेंट ईयर नहीं है यहाँ कोई प्रीवियस फिनेंशियल ईयर नहीं है ओके okay, क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स असिज होता है वो ट्रांजेक्शन के बेस पे असेस होता है ओके okay, आपका ट्रांजेक्शन अभी हुआ इमेजिएट हुआ अभी के अभी आपको टैक्स असेस करना है इट्स नॉट लाइक दैट कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओगे फिर आपकी बैलेंस शीट बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एंड देन यू आर गोइंग टू पे इनकम टैक्स इट्स नॉट लाइक दैट ओके यहाँ पे जो है ओके ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स होता है जिस धीरे धीरे हम आगे और इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट देखा कि एक पूरा फ्लो कैसे चलता है <coughs> आज अगर हम एक बिजनेस ट्रांजेक्शन ले तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है यहां पे किस तरह से चलता है जैसे कोई एक फिनिश गुड्स का ट्रांजेक्शन लेते हैं तो फिनिश गुड्स का ट्रांजेक्शन मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर और अल्टीमेट कंज्यूमर तो इस ट्रांजेक्शन में अगर हम देखते हैं तो इस ट्रांजेक्शन में यहाँ पे ओके okay, हमें ये आ, कौन सी चीजें आइडेंटिफाई होती है सर जैसे मैंने कल आपको कहा था सभी ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ओके okay, यहाँ पे आई नीड योर अटेंशन आपके डाउट्स क्वेश्चन जो भी हो बेटा मैं बाद में लूँगा जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है जो भी आपके दिक्कत हो रही होगी ओके okay, आपका नोट्स वगैरह तो मैं फिर से कह देता हूँ आज भी मेरी टीम लास्ट ट्वेंटी मिनट जो है कनेक्टेड रहेगी आप अपना ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम डाल दीजिएगा कल किसी ने डाला नहीं ओके okay, पर मैं ये कहूँगा आज डाल दीजिएगा मैं आपको रिमाइंड नहीं करवाऊंगा लास्ट ट्वेंटी मिनट्स ओके टे दस बज के चालीस मिनट पे आप अपना ऑर्डर आईडी और आपका प्रिफर टाइम डाल दीजिएगा जो भी आपके डाउट्स हो गए अभी जो मैं कह रहा हूँ ये चुपचाप सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये डिस्कशन को हम कंटिन्यूटी में रखेंगे जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट्स ओके okay, या जो ऐप पे जुड़े हैं उनके डाउट्स मैं जो है यहाँ आपको स्पेशल टाइम दूंगा तभी पूछना सो दैट का आपका डाउट जो है वो स्क्रोल ना हो और आपका डाउट एंटरटेन हो ठीक है चलिए और यहां प्लीज राजेश माइक का अरेंजमेंट कर दो स्टूडेंट्स के लिए ठीक है तो यहां जो है ना आते हैं ये फ्लो में अगर आप देखते हो तो इस फ्लो में आपको क्या दिखेगा तो इस फ्लो में यहां पे ओके हर स्टेज पे टैक्स लग रहा है इसको कहते हैं मल्टी स्टेज टैक्स क्या कहते हैं मल्टी स्टेज टैक्स मतलब क्या कि आ, हर एक्ट में कोई ऐसा एक इवेंट होता है जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी रखी होती है जैसे इनकम टैक्स में आप देखोगे तो कौन सा इवेंट है इनकम ऑन ah. और जो पर्सन उस इवेंट को टच करेगा ही इज लाइबल टू पे टैक्स कस्टम्स में इंपोर्ट इस इवेंट पे टैक्स है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इस इवेंट पे टैक्स है तो सिमिलर बेटा जीएसटी में भी ऐसे कुछ इवेंट्स हम ढूंढेंगे हाँ माइट भी मैं आपको बता दूं जैसे इनकम टैक्स का सेशन स्टार्ट हुआ होगा या लॉ का सेशन आपने किया होगा तो फर्स्ट डे आपको समझाया गया होगा सेक्शन क्या होता है सब सेक्शन क्या होता है क्लॉज क्या होता है सब क्लॉज क्या होता है और बहुत सारी चीजें समझाई होगी बट जीएसटी में ऐसा नहीं है जीएसटी में मैं एक्ट तो फोर्थ डे चालू करने वाला हूँ ओके okay, पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड बताने वाला हूँ कि इंडिया में जी क्यों लाया गया और क्या इसकी ज़रूरत पड़ी और हम एक्ट रियली स्टार्ट करेंगे फोर्थ डे को समझ में आया क्या तब तो तो वैसे बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही है सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवाइज भी करके दे दूंगा ठीक है <clears throat> चलिए जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी कहा और अभी भी कुछ अगर स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे यस आपका डीटी नहीं भी हुआ होगा तो भी आप आईडीसी से स्टार्ट कर सकते हो डीटी बाद में पैरेलल भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो चलिए आ जाते हैं हमारे डिस्कशन पे अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो देखो बेटा हर स्टेज पे आपको यहां पे टैक्स लग रहा है क्योंकि इवेंट पे टैक्स है और आपने उस इवेंट को टच किया जो भी इंडिया का पर्सन उस इवेंट को टच करेगा उस पर लाइबिलिटी क्रिएट होगी और हमने ये फ्लो देखा और इस फ्लो में क्या समझने की कोशिश की इस फ्लो में हमने ये समझने की कोशिश की कि हां हर स्टेज पे टैक्स है और एंटायर बर्डन किसके ऊपर है अल्टीमेट कस्टम जो आगे बिजनेस नहीं कर रहा है ओके जो आगे बिजनेस नहीं कर रहा है एंटायर बर्डन उसके ऊपर आता है अगर उसकी प्राइस को थोड़ा आप एनालाइज करोगे तो उसके प्राइस में सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है प्लस लास्ट स्टेज पे जो टैक्स लगा ओके वो टैक्स भी इंक्लूडेड है और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसके तरफ ध्यान देना सारे टेंशन भूल जाना सच कहता हूँ आज जो भी होगा आपके साथ बहुत अच्छा होगा ओके आपको दुनिया भर के टेंशन होते आज उसने देखा ही नहीं ठीक <laughs> है तो ये ओके बेटा जिसको देखना है वो देख लेगा या देख लेगी ठीक है यहाँ पे जरूर देख लेगी मेरी बेस्ट विशेष है तो यहाँ पे इधर ध्यान दे जो मैं कह रहा हूँ तो अब यहां पे अटेंड टू अवर डिस्कशन तो ऐसे केस में एक चीज जो आप आ अगर इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से डेफिनेटली हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि यहां कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है ओके कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स इंटरेस्ट के केस में हम कंपाउंडिंग कहते हैं कुछ याद आया क्या इंटरेस्ट के केस में हम कंपाउंडिंग कहते हैं और टैक्स के केस में हम कैस्केडिंग कहते हैं कैस्केडिंग का स्पेलिंग बता देता हूं नहीं तो उस पर ही डिस्कशन हो जाएगा ठीक है कैस्केडिंग इफेक्ट ओके टैक्स ऑन टैक्स और ये यहां पे इंडियन इंडस्ट्री को प्रॉब्लम था ओके इंडियन इंडस्ट्री को क्या था कि ये ओके okay, ये तो टैक्स की लूट मची है ओके टैक्स ऑन टैक्स टैक्स ऑन टैक्स टैक्स ऑन टैक्स ये तो टैक्स की लूट मची है और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसके बारे में बहुत आगे हम अच्छे से डिटेल, डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है वैट वैट मतलब कुछ पता है आपको वैल्यू एडेड टैक्स और जीएसटी भी वैट बेस एक सिस्टम है ओके okay, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन चलिए यहाँ पे ये फ्लो तो आपको समझ में आया यहाँ इतना ही इनफ है चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं नाउ एक सवाल जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और जो आपके स्टडी मटेरियल में बेसिक चैप्टर में कवर है वो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस तो डायरेक्ट और को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेस पे दोनों का समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है करने, वो ओपन करके रखो एक साथ में डायरी रखो डायरी रफ वर्क के लिए और उस डायरी में ऐसा लिखना कि अपने आप को ना समझे समझ में सिर्फ मेरे साथ इन्वॉल्व होने के लिए इज इट क्लियर तो चलिए आपके नोटबुक में आओ और ये नोटबुक में यहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन पी वन पेज नंबर का रेफरेंस दे दो पेज नंबर का रेफरेंस दे दो ठीक है चलिए अब देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है मिस्टर ए अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टूथपेस्ट ही हैज डन ओनली सिंगल सेल इन फाइनेंशियल ईयर 1819 और सेल हुआ 20 लाख का ही हैज इनकर्ड अ फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू रन द बिजनेस इन दिस क्या फाइनेंशियल ईयर ठीक है अब उसका समझ लो एक ही सेल हुआ जिस आइडियल एग्जांपल लेते हैं ओके कि एक ही सेल हुआ कितना 20 लाख का पूरे साल भर उसमें उसको खर्चे लगे सैलरी एंड वेजेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अदर एक्सपेंसेस एंड बैंक चार्जेस मिस्टर ए आल्सो लाइबल टू पे टैक्स ऑन सेल अच्छा टैक्स ऑन सेल ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट है ओके कैलकुलेट डायरेक्ट है एंड क्या इनडायरेक्ट टैक्स चलिए मुझे आप थोड़ा आपके कॉमन सेंस से बताओ जब आप सेल्स टैक्स निकालोगे तो सेल्स टैक्स कैसे निकालोगे लो कैलकुलेटर कैलकुलेटर सभी लो जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी कैलकुलेटर लो और ये बेटा हाँ मैं आपको ये बता दू मैंने स्क्रीन पे फाइल जो है ब्रेक करके लिया हुआ है क्यों क्योंकि पूरा नोट्स यहाँ पे कभी कभी हैंग हो जाता है तो मैं ब्रेक करके लेता हूं इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको फ्लो कनेक्शन में रहना है नहीं तो आप ये पूछते रहोगे पेज नंबर क्या है ओके आपको नोट्स में फ्लो में कनेक्टेड रहना है ठीक है तो यहाँ कौन से पेज पर है ये फोर पेज नंबर फोर पे ठीक है सो नाउ यहां पे, अब मुझे ये बताओ कि आपका सेल्स टैक्स कैसे आएगा लो ट्वेंटी लैक्स आपका सेल है माइनस एक्सपेंसेस करो नाइन लैक्स एक्सपेंसेस हुआ बचा कितना 11 लैक्स तो 11 लैक्स पे सेल्स टैक्स आएगा नहीं एलेवन लैक्स पे नहीं आएगा फिर कितने पे आएगा 20 लाख इससे एक चीज आइडेंटिफाई हो गई इनडायरेक्ट टैक्स टोटल प्राइस पे लगता है ये समझा ना इससे एक चीज आइडेंटिफाई होगी कि इनडायरेक्ट टैक्स टोटल प्राइस पे लगता है ओके इनडायरेक्ट टैक्स नेट प्रॉफिट पे नहीं लगता है इज इट क्लियर तो आपका इंडायरेक्ट टैक्स है बिजनेस टैक्स है वो आपके सेल प्राइस पे लगता है टोटल प्राइस पे लगता है समझ लो मैं आपकी प्राइस एक चलो ये आप एनालिसिस कर पाओगे अगर यहां तक समझा तो बहुत अच्छी बात है ओके okay, समझ लो मैं प्राइस चार्ज कर रहा हूं जैसे क्लास फीस ओके मैं बिल तैयार कर रहा हूं और आपको इन्वाइस दे रहा हूं आपको इन्वाइस में मैं फीस लिख रहा हूं और मेरी फीस वन लाख जब एग्जाम्पल लेना है तो लैक्स में लेना ओके okay, तो मेरी फीस कितनी है वन लाख और उसके ऊपर मैं मटेरियल चार्जेस अलग से लगा रहा हूँ और ये मटेरियल जो मैं क्लास में आपको प्रोवाइड करता हूँ ओके okay, उसके बीस हजार रुपए एग्जाम्पल है अरे है ना तो आपको मैं इन्वाइस बना के दे रहा हूँ और इन्वाइस में मेरी फीस जो है वो ओके वन लाख है और उसके बाद में मटेरियल चार्जेस कितने ट्वेंटी थाउजेंड टोटल बिल कितना हुआ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो मुझे बताओ जीएसटी या कोई भी बिजनेस टैक्स लगाओगे है ना आगे। तो वो जो बिजनेस टैक्स लगेगा वो वन लैख पे लगेगा वन ट्वेंटी पे लगेगा पे लगेगा।, वन ट्वेंटी पे लगेगा इसका मतलब इनडायरेक्ट का नेचर पता है क्या है एक्सपेंसेस का तो डिडक्शन छोड़ दो अगर कुछ एक्स्ट्रा लिया वो भी एड हो जाता है अरे इंडायरेक्ट टैक्स डिडक्शन तो दूर की बात रहेगी यहाँ तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा लोगे सब एड होता है इज इट क्लियर तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है बताओ क्लियर है या नहीं है वेरी गुड तो इन शॉर्ट यहां बेसिक डिफरेंस यह मिलता है कि ये नेट प्रॉफिट एक्सपेंसेस यहां तो डिडक्शन सोचना भी मत कोई डिडक्शन हां ये सोचना कुछ एक्स्ट्रा लिया तो वो भी ऐड कर इंडायरेक्ट टैक्स लगेगा वो कितने पे लगेगा ट्वेंटी लैक्स जो आपकी सेल्स है ओके okay. और दूसरी बात हाँ अगर मैं आपको डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स निकालने कहूँ तो वो कितने पे लगेगा एलेवन लैक्स पे लगेगा एलेवन लैक्स पे लगेगा फिर आपके जो भी स्लैब हो वो स्लैब लगा कर अरे यस और नो तो यहाँ पे मिस्टर ए इंडिविजुअल है बेसिक एग्जामिशन भी लेगा कितना बेसिक एग्जामिशन है पाँच लाख टू फिफ्टी टू फिफ्टी है देखो भाई मैंने पिछले बीस साल से एक ही टैक्स पढ़ा है नहीं नहीं इनडायरेक्ट टैक्स ओके तो ये आपको बताना पड़ेगा इनकम टैक्स के बारे में हाँ हाँ तो चलिए यहाँ पे तो बात करते यहाँ पे चलो सॉल्यूशन लेते हैं कैलकुलेशन का टाइटल दो कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड क्या इनडायरेक्ट एक्सेस अब दो पार्ट करो एक तरफ लिखो इनडायरेक्ट टैक्स और एक तरफ लिखो क्या बेटा डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स ठीक है अब यहां पे हाँ यहां लिखना पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज यहां क्या लिखेंगे आप सेल प्राइस अरे है ना तो सेल प्राइस टोटल जो भी है कितना हमारी है ट्वेंटी लैक्स उसके ऊपर डायरेक्ट क्या निकालेंगे टैक्स ओके तो हमें सेल्स टैक्स निकालना है सेल्स टैक्स एट द रेट टेन परसेंट कितना हुआ टू लैक्स तो ये हमारी टोटल प्राइस हुई कितना हुआ ट्वेंटी टू लैक्स ट्वेंटी टू लैक्स डन और नेक्स्ट जो है डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा आपका टोटल सेल्स लेस क्या एक्सपेंसेस टोटल सेल्स ओके टोटल सेल्स कितना है आपका ट्वेंटी लैक्स लेस क्या एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस कितना नाइन लैक्स ओके नाइन लैक्स तो नेट प्रॉफिट एलेवन लैख नेट प्रॉफिट एलेवन लैख तो यहां बताओ यहाँ डायरेक्ट आप स्लैब लगा के निकाल दो डायरेक्ट इनकम टैक्स इतना तो आपका इनकम टैक्स आएगा वन कितना रहा वन फोर्टी एट टू हंड्रेड वन फोर्टी एट टू हंड्रेड वन फोर्टी एट टू हंड्रेड यह आपका क्या आया इनकम टैक्स अच्छा मुझे बताओ जो इनकम टैक्स लगता है ये बर्डन पास ऑन होता है या आपके कैपिटल uh, अकाउंट को डेबिट होता है इनकम टैक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट होता है आपका बर्डन है वो अरे आया ना तो uh, आपके कैपिटल अकाउंट को डेबिट होता है चलिए अब आपका uh, एक सवाल आया जो ऑनलाइन में ये सवाल जरूर लेना चाहूंगा और वो सवाल ये है कि सर ओके सेल्स टैक्स भी तो एक्सपेंसेस बुक होते हैं सुनो सेल्स टैक्स अब दो चीज केसेस समझ लो और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये सब ने लिख लिया येस और नो अब देखो यहां पे आपका हम यहां पे ट्रेडिंग एंड प्रोफेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हैं ओके okay, अगर आप सेल्स से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां सुनना केस वन और केस वन में यहां और केस टू केस वन में अगर आप सेल्स नेट से रिकॉर्ड कर रहे हो कितने से नेट हमारी नेट, नेट सेल कितने 20 ट्वेंटी लैक्स ओके okay, नेट सेल जो है हमारी ट्वेंटी लैक्स है यस और नो तो फिर आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी हाँ? कैश या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू टैक्स पेबल अरे है ना टू टैक्स पेबल यानी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी टू सेल्स ट्वेंटी लैक्स टू टैक्स टू लैक्स और टैक्स पेबल हमारा कैसे uh, होगा कैश और बैंक से अरे ना मतलब उसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं जाएगा आप इमेजिन कर पा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा ठीक है क्यों क्योंकि हमारा लेजर हुआ टैक्स पेबल कितना है टू लैक्स तो और गवर्नमेंट को जब देंगे तो कैश और बैंक ओके अगर सेल्स नेट से रिकॉर्ड हुई तो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सेल्स टैक्स नहीं दिखता है क्यों सेल्स टैक्स नहीं दिखता है क्योंकि आपने ही नेट से किया है अरे आया ना ही नेट से किया है समझ में आया क्या लेकिन अगर तुमने सेल्स ग्रॉस से रिकॉर्ड कर दी अरे समझा क्या सेल्स क्या ग्रॉस पे यानी आपने सेल्स कितने पे रिकॉर्ड किया ट्वेंटी टू लैक्स पे ओके ट्वेंटी टू लैक्स पे तो फिर आपका दो लाख एक्सपेंसेस है क्योंकि रेवेन्यू आपने दो लाख से बढ़ाया हुआ है तो यहां पे फिर सेल्स टैक्स कितना देखे गया सेल्स टैक्स यहां पे टू लैख्स ओके पर अकाउंटिंग पॉलिसी और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं ओके हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं सेल्स नेट से रिकॉर्ड करो आई रिपीट तो दिस प्रैक्टिस इज कंप्लीटली रॉन्ग ओके वो फाउंडेशन में आपने क्या पढ़ा एलेवन ट्वेल्थ में क्या पढ़ा वो बाजू में रखो नाउ अब इंटर और फाइनल लेवल पे यू हैव टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आई होप यू अंडरस्टूड हाँ मैं मानता हूं कि 11, 12 में आपने लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में सेल्स टैक्स लिखा ओके okay, पर उधर सेल्स फिर से रिकॉर्ड की तुमने yes. लेकिन अब इंटर और फाइनल में ये गड़बड़ मत करना आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो चलिए आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा ओके okay, तो यहां पे ये हमने देखा रिगार्डिंग टू ओके प्रॉब्लम वन जिसमें हमने डिफरेंस देखा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस अब चलो अब ये डिफरेंस एग्जाम में अगर पूछा गया तो आप इसको किस तरह से लिखोगे ओके okay, तो चलिए लिखते हैं यहां पे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नोट्स में जगह दी है मैंने शायद आ, चलो वहीं लिख लो नोट्स में स्मॉल हैंडराइटिंग खेलना मत वहां पे जस्ट स्पेस दी का तो खेल लो वहां पे ठीक है हां अब यहां पे डिफरेंस हम किस तरह से लिखेंगे लेखो यहां पे डिफरेंस में पर्टिकुलर्स सर डिफरेंस में पर्टिकुलर्स हां डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स डन पर्टिकुलर्स में लिखो पॉइंट यहां पे लेविड ऑन लेविड ऑन बताओ डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर है इनकम अर्निंग एक्टिविटी पे तो लिखो इट इज ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी इनकम अर्निंग एक्टिविटीज इंडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर है ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेस सो देखो इट इज ऑन गुड्स और सर्विसेस इट इज ऑन गुड्स और सर्विसेस ठीक है सेकेंड ये बताओ डायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस किसके ऊपर है इंसिडेंस मतलब बर्डन किसके ऊपर है तो आप बर्डन ऑफ टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स डायरेक्ट टैक्स लिख सकते हो इट इज बोर्न बाय पर्सन डायरेक्टली, लिखो इट इज बोर्न बाय पर्सन डायरेक्टली, डायरेक्टली। बट इनडायरेक्ट टैक्स इट इज ओके क्या हम इसको ऐसा लिखे इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन एंड एंटायर बर्डन एंड एंटायर बर्डन इज ऑन अल्टीमेट कैंसर लिखो इट इज ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन अनादर पर्सन एंड एंटायर वर्डन इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर उसके बाद में नेचर करेक्ट डायरेक्ट टैक्स क्या रहेगा प्रोग्रेसिव नेचर प्रोग्रेसिव नेचर सर ये प्रोग्रेसिव नेचर क्या होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा ओके okay. लिखना हो तो लिख दो दैट इज दैट इज हाई रेट ऑफ टैक्सेस higher rate of taxes for the people with higher income for the people <laughs> no comments ठीक है तो जहाँ तक है taxes for people with higher ये चल क्यों नहीं रहा यार विथ हायर इनकम हाँ, तो इंडायरेक्ट टैक्स लिखो इट इज रिग्रेसिव इन नेचर रिग्रेसिव इन नेचर हाँ थोड़ा अब ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा जैसे ये तो तिजोरी टैक्स है पैसा बढ़ा तिजोरी से पैसा निकाला कौन सा इनकम टैक्स क्या है कुछ कंट्री में जीएसटी सिंगल रेट से लगता है ओके okay, जैसे मलेशिया था पर उन्होंने भी एट लास्ट इंडियन मॉडल यूज किया अपना जीएसटी को चेंज करके एग्जाम्पल ले रहा हूं उन्होंने क्या किया था सिंगल रेट जीएसटी लगा दिया था और वो लगा दिया था 25 परसेंट इंडिया में 25 परसेंट नहीं है लेकिन मलेशिया ने लगा था 25 परसेंट फ्लैट सारा गुड्स हो फिर वो डेली यूज का गुड्स हो लग्जरी गुड्स हो ओके या भाई मिडिल क्लास या पुअर क्लास या अपर क्लास कोई भी यूज कर रहा हो सारे गुड्स एक ही रेट और वो कौन सा रेट 25 सिंगल रेट टैक्स अब सिंगल रेट टैक्स अगर लगा दिया जाए तो रिग्रेशन क्रिएट हो जाता है आज कोई पुअर पीपल भी अगर समझ लो बिस्किट है और बिस्किट पे 25 परसेंट जीएसटी तो एक बेगर भी बिस्किट खरीदने जाएगा तो उस पर भी बर्डन कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट पोअर क्लास खरीदने जाएगा बर्डन कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके यहां पे मिडल क्लास खरीदने जाएगा अपन और रिच क्लास खरीदने जाएगा मतलब यहां पे मुकेश अंबानी जी खरीदने जाएंगे तो भी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो भाई मुकेश अंबानी जी को फर्क नहीं पड़ता है अपर मिडल क्लास को फर्क नहीं पड़ता है और आज पेट्रोल की प्राइस दो रुपए बढ़ जाए तो कार वाले को पता भी नहीं चलता अरे है ना उसको पता भी नहीं चलता पर जो बाइक वाला है उसको बराबर पता चल जाता है कि दो रुपए बढ़ गए ये समझ में आया क्या उस पर इंपैक्ट ज्यादा होता है तो एक तरह का रिग्रेशन तैयार होता है रिग्रेशन तैयार होता है कि ये क्या यार सेम टैक्स बर्डन सभी पे ये सही बात नहीं है इसलिए जो कंट्री सिंगल रेट टैक्स सिस्टम पे चलती है जीएसटी में वो कंट्री में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इंडिया में इसको बहुत अच्छे से मैनेज किया रिग्रेशन इंडिया में भी है पर इसको मैनेज ऐसा किया कि हमने चार स्लैब बनाए मेनली बताओ कौन से चार स्लैब बनाए फाइव परसेंट ट्वेल्व परसेंट एटीन परसेंट एंड ट्वेंटी इधर इस कॉर्नर में और इधर ओके okay, तो हमने चार स्लैब में बनाए और इस रिग्रेशन को मैनेज किया रिग्रेशन इंडिया में भी है पर इतना ज्यादा नहीं है इज इट क्लियर तो ऐसे केस में ओके okay, पर नेचर हम पढ़ रहे हैं तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर देखा जाए तो वो रिग्रेशन क्रिएट करता है इज इट क्लियर ओके तो चलिए इट इज रिग्रेसिव इन नेचर लिखो आगे एज ऑल द कंज्यूमर एज ऑल द कंज्यूमर इक्वली बी आर द बर्डन Equally, we are the burden, irrespective of their ability to pay. Irrespective of their ability to pay. Okay. उसके बाद में नेक्स्ट ये तो नेचर हुआ अच्छा फोर्थ लिखो फोर्थ लिखो व्हेन इट इज टू पेड व्हेन इट इज पेड ये क्वेश्चन मार्क में लिखना अच्छा मुझे बताओ इनकम टैक्स जो पे होता है असेसमेंट ईयर में पे होता है अब मैं आपको थोड़ा अलग वैसे समझाता हूं इनकम टैक्स जो है इनकम आने के बाद पे होता है में इनकम आ जाती है ओके okay, और फिर आप टैक्स पे करते हो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस लेने के पहले पे करना पड़ता है इज इट क्लियर तो ऐसे केस में लिखो यहां पे, इट इज पेड इट इज पेड आफ्टर द इनकम

before goods or services goods or services reaches the taxpayer reaches the taxpayer next point collection कलेक्शन आपको क्या लगता है ये बताओ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन की अगर हम बात करें तो कौन सा रहे डारेक, डारेक, डारेक डारेक, 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 डारेक डिफिकल्ट रहेगा डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट डिफिकल्ट तो रहेगा yes, क्यों हाँ यस यहां पे कौन है माइक का है और कौन खड़ा है पे? यस सुना कौन बताएगा क्यों डिफिकल्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दे उधर क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के अंदर अपन फेक एक्सपेंसेस भी बता सकते हैं इसके वजह से उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है <laughs> so, क्या आप डर गए <laughs> ना वापिस बोलो नहीं 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 समझ में आ गया समझ में आ गया यस yes. एक बात आपको बता दू भाई मैंने आज बैच लिया आप सभी यहां बैच कर रहे हो और मैंने इनकम अर्न कर लिया आपसे पैसा मेरे जेब में आ गया समझ लो मैंने पांच लाख रुपए कमाए ठीक है अब ये पैसा जेब अब बताओ क्या यहां पैसा जैसे ही जेब में आ जाता है तो दिल से यहां से दो चीज निकालना मुश्किल हो जाती है एक पैसा दूसरा आपको पता है ठीक है तो जहां तक देखा जाए तो अब पैसा निकालना मुश्किल जाता है तो लोग क्या करते हैं एक बार पैसा आ गया तो इसको छुपाने की कोशिश करते हैं छुपाने की कैसे कोशिश करते हैं मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे आपको आगे जब आप आर्टिकलशिप में आओगे तब तो आपको इतनी सारी ऐसी ऐसी केसेस दिखने मिलेगी कि इतने सारे पैरामीटर्स पे इनकम छुपाई है और ऐसे डाइवर्ट किया है कि आपको क्या बताओ पर जस्ट यहाँ पे पैसा आ गया पैसा आने के बाद क्या करेंगे फेक एक्सपेंसेस बताएंगे ओके डमी एक्सपेंसेस बताएंगे सो दैट नेट प्रॉफिट कम हो नेट प्रॉफिट कम हो तो इनकम टैक्स कम हो अरे हाँ ना अब दूसरी बात घर में बहुत सी बार ऐसा होता है इनकम टैक्स के रिटर्न जब आप देखोगे कमाने वाला घर पे एक ही होता है पर रिटर्न सबके जाते हैं जबकि कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है पर वो एक कमा रहा है पर ये बिजनेस वाइफ के नाम पे मैंने ऐसे एक शॉप देखा एक ही शॉप है पर वहां थ्री प्रोप्राइटर्स है और तीन बिल अलग अलग रखे हैं अरे है ना ओके okay, ये मतलब तीन प्रोपराइटरी फर्म है क्यों क्योंकि एक में बताया तो इनकम बढ़ जाएगा ओके okay, तो फिर ये ओके okay, तो समझ लो यहाँ पे फैब्रिक्स गारमेंट्स वगैरह की शॉप है तो इसका बिल अलग से कर दो इसका बिल अलग से कर दो इसका बिल अलग से कर दो इनकम को डाइवर्ट कर दो तो यहाँ इतनी प्लानिंग होती है इनकम टैक्स में क्योंकि पैसा जेब में आ गया फिर यहाँ से निकालना मुश्किल है इसलिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है टी को पहले निकाल लो ठीक है पर जो भी है तो यहाँ क्या हो जाता है इनकम टैक्स में आपकी स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा होती है ओके रेड ज्यादा होती है रेड पता है इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटिनी अरे यहाँ ना तो ये स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा होती है इसमें डिपार्टमेंट को यानी गवर्नमेंट को बहुत डिफिकल्टी जाती है यहां पे आपसे पैसा कलेक्ट करना आपसे क्योंकि आपके जेब में से निकालना ये बहुत डिफिकल्टी जाती है और इंडिया में डेमोक्रेसी है कोई गब्बर सिंह तो नहीं है ओके okay, कि भाई गन रख दिया देव टैक्स अरे आया ना तो यहां इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में साइकोलॉजी क्या है जैसा आप मेरे पे जीएसटी लगाया पर मैं क्या सोचूंगा ठीक है ना ओके जीएसटी लगाया तो पे एंड पास ऑन मैं क्यों अवॉइड करूंगा गा? ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्स छुपाया नहीं जाता है छुपाया जाता है लेकिन साइकोलॉजी कंपेरेटिवली कम है क्यों क्योंकि यहां जो टैक्स देने वाला है वो सोचता है कि मेरे पे थोड़ी बर्डन आ रहा है बर्डन क्या करो पासान करो इज इट क्लियर और कौन रिस्क उठाएगा भाई ओके okay, चलो मैं आप जीएसटी बचा के जीएसटी नहीं लगाया मैंने तुमको ओके okay, और बचा लिया चलो विदाउट जीएसटी है ओके okay, पर कल जाके अगर स्क्रूटिनी हो गई तो क्लास को डोर को यहां पे लॉक वो लगा के चले जाएंगे बिजनेस का नुकसान मेरा हो जाएगा इसमें फायदा मेरा तो कुछ नहीं हुआ फायदा तो आपका हुआ यस और नो तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्यों रिस्क उठाऊ ओके okay, मेरा बिजनेस क्यों कम कर दू ओके okay, यहां पे कल जाके अगर उन्होंने पूरा सील कर दिया मैं क्या करूंगा तो ऐसे केस में इनडायरेक्ट टैक्स में इतनी ज्यादा साइकोलॉजी नहीं है डायरेक्ट टैक्स में क्योंकि उसकी खुद की इनकम बच रही है ये समझ में आया क्या तो ऐसे केस में ओके जहां तक हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स फॉर गवर्नमेंट डिफिकल्ट टू कलेक्ट इसलिए जितने ज्यादा रेट्स और इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट टैक्स में होते हैं उतने इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं होते है ई होप यू अंडरस्टूड ओके तो चलिए यहां पर कलेक्शन लिखो कलेक्शन टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट डिफिकल्ट एज इट इज ऑन इयरली बेसिस एज इट इज ऑन इयरली बेसिस इयरली बेसिस और यहां लिखो टैक्स कलेक्शन इज रिलेटिवली इजियर इज रिलेटिवली इजियर एंड कलेक्टेड at the time of sale or purchase sale or purchase of goods or services sale or purchase of goods or services <coughs> last एग्जाम्पल्स भाई साहब डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बता दो एग्जाम्पल कौन सा टैक्स है इनकम टैक्स ठीक है वो डायरेक्ट टैक्स है देखो इनकम टैक्स कभी वेल टैक्स के ना बारे में सुना अभी नहीं है अबोलिश हो गया है पर वेल टैक्स भी था वो भी तिजोरी टैक्स ही था ओके इनकम टैक्स दूसरा आपको लिखना होगा तो क्या वेल टैक्स ठीक है अभी वो अप्लीकेबल नहीं है <coughs> और <coughs> अच्छा इंडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बताओ पहले तो जीएसटी बोल दो यार ओके okay, पहले तो क्या जीएसटी उसके बाद में कस्टम्स कस्टम्स उसके बाद में एक्साइज एक्साइज आज भी है एक्साइज वैट यस ऑक्ट्रा वगैरह ओके तो एक्सेट्रा आप एक्सेट्रा लिख सकते हो चलिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इतने डिफरेंसेस आपको लिखने पड़ेंगे इजी है ओके टाइटल्स क्रिएट कर लेना और टाइटल के हिसाब से आपका यहां पे डिफरेंस आपको लिखना है तो चलो सर ये जो हमने अभी पढ़ा इतना डिस्कशन किया तो इस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जो आएगा ये एक ही क्वेश्चन आएगा क्या डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एर इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है तो अब जो चीजें आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में फॉलो जो चीज़ें डायरेक्ट टैक्स की इंडायरेक्ट टैक्स में आप फॉलो नहीं करोगे वो पहले बता दो सो so दैट मुझे अब इनडायरेक्ट टैक्स में एंटर होना ज़्यादा ईजी रहेगा सबसे पहले मुझे कोई बता सकता है इसका लॉजिक और मैं चाहूँगा कि ये जो है आप यहाँ पे आंसर जरूर दें माइक लेके क्यों ऐसा इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर आया प्रीवियस ईयर आया हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आज इनकम ऑन हुई आज के आज टैक्स आज इनकम ऑन हुआ आज के आज टैक्स ऐसा क्यों नहीं करते हम हाँ नहीं हो रहा है हाँ वैसे ही बता वैसे ही बता पहला को आंसर है कि सर इनकम रिसीवेबल बेसिस पे होती है और रिसीवेबल बेसिस पे यहां पे इनकम जब होती है तो जब तक इनकम नहीं आएगी हम गवर्नमेंट को टैक्स कैसे देंगे ओके okay, कोई ऑनलाइन बताना चाहता है तो जरूर बताए और दूसरा नहीं नहीं मेरा सवाल दूसरा है मेरा सवाल यह है कि भी ठीक है रिसीवेबल बेसिस पे तो मंथली क्यों नहीं ईयरली क्यों यानी क्यों ऐसा असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट आया क्यों ऐसा प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट आया Uh, अगर आज इनकम अर्न हुई और हम आज ही ये ले तो टैक्स कलेक्शन के एक्सपेंसेस टैक्स से ज्यादा हो जाएंगे कैसे अगर आज इनकम हुई तो हमें रिटर्न uh, फाइल करना पड़ेगा तो उसके खर्चे जो टैक्स हेलो हाँ कंटिन्यू टैक्स कलेक्शन के एक्सपेंसेस जो टैक्स है उससे ज्यादा हो जाएगी तो ये बराबर नहीं है फिर से कैसे कैसे ज्यादा गए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा हमें सीए के पास जाना पड़ेगा एंड ऑल प्रोसेस चलो ये रिटर्न आंसर नहीं है मुझे इनकम टैक्स निकाल के दो कि भाई कैसे होगा कोई हो बता पाएगा कैसे होगा यस वहाँ देना प्लीज और उधर भी लेके जाओ यहाँ सर अगर हम मंथली बेसिस पे करेंगे तो अगर हम हर महीने दो ही दो लाख कमा रहे तो हर हर महीने में अपने को हो नहीं, नहीं, कौन देना चाहेगा सर yes. जब तक अपन पूरा टोटल इनकम पे स्लैब वाइज कैलकुलेट होता तो जब अपन इनकम अर्न करते तब अपने को अपना टैक्स लॉस नहीं, नहीं, रहता।, रहता है वो लॉस बाद करेक्ट करेक्ट मैं आता हूँ देखिए इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और करेंट ओके सभी ध्यान दें बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है प्रीवियस ईयर और यहां पे असेसमेंट ईयर इन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ है क्योंकि क्या होता है अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ एक्सपेंसेस 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 रेवेन्यू होते है, expenses, expenses होते हैं कुछ हैं अरे आया ना तो इसको आइडेंटिफाई क्योंकि जब तक सारे एक्सपेंसेस क्लियरली आइडेंटिफाई ना होके तब तक हम हमारा नेट प्रॉफिट ढंग से निकाल नहीं सकते इज इट क्लियर अब इमेजिन करो कि इनकम टैक्स ऐसा होता कि इनकम अन पर भाई साहब ये इनकम ऑन में कुछ फिक्स एक्सपेंसेस है ये कुछ इनकम ऑन में कुछ क्या रेवेन्यू एक्सपेंसेस है ये बात समझ में आई क्या आपको तो ये अभी के अभी कैसे आइडेंटिफाई करूं तो इंडियन गौर, गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पीरियड यूज किया और वो पीरियड यूज किया फाइनेंशियल ईयर यस और नो फाइनेंशियल ईयर ओके यहां पे और नो no डाउट कुछ कम ज्यादा होगा तो वो हम प्रोविजन कर देंगे प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अरे ये सर नी रेवेन्यू कर लेंगे ओके पर एक पीरियड लिया गया और वो पीरियड के बेस पर एक साल का पीरियड लिया गया जैसे इंडिया में हम लेते हैं फाइनेंशियल ईयर फॉरेन कंट्री में कैलेंडर ईयर अरे ये सर कैलेंडर ईयर लिया जाता है और ये एक साल का पीरियड के बेस पे हमारा पूरे एक पूरे वर्ल्ड में एक अवेयरनेस था कि भाई वन ईयर इज द रिजनेबल पीरियड टू आइडेंटिफाई क्या इनकम नेट इनकम so in India we followed first April to 31st of March, is it clear? Yeah, तो जिसमें हम एक प्रॉपर इनकम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें फिक्स एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं तो इसलिए इनकम टैक्स जो आपके नेट इनकम क्योंकि वो टोटल पे नहीं लगता है वो किस पे लगता है नेट इनकम इसलिए पिक्चर में आया क्या प्रीवियस इयर एंड असेसमेंट कि भाई आप प्रीवियस ईयर में जो कमाओगे उसका टैक्स असेस करोगे नेक्स्ट ईयर में और आप ड्यू डेट को टैक्स दोगे लॉजिक समझ में आया यहां आप बैठे हो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यहां बैठे हो अपने लॉजिक डेवलप करने के लिए इंडिया की टफेस्ट एग्जाम आप देने जा रहे हो ठीक है और मैं पहले कह रहा हूं ओके मैं यहां पे आपके लॉजिक इतने स्ट्रॉन्ग डेवलप कर दूंगा ना कि आप मुझे याद करोगे हाँ ये बात हो सकता है कि हंसी मजाक थोड़ी कम भी हो सकती है और रील कम बन सकती है समझ में आया क्या इंस्टा रील कम बन सकती है लेकिन आपके जो लॉजिक है इतने स्ट्रॉन्ग डेवलप कर दूंगा कि आपको हर चीज का एक आदत पड़ जाएगी कि ऐसा क्यों ये समझ में आया क्या तो यहाँ पे आर यू रेडी yes, तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि वहां आया प्रीवियस ईयर एज वेल एज असेसमेंट असेसमेंट मतलब वो ईयर जिसमें आप टैक्स असेस कर रहे हो असेस कर रहे हो मतलब कंप्यूट कर रहे हो इज इट क्लियर तो अब यहां पे लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं हो सकता इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स है मतलब क्या ओके okay, समझ लो मेरा मेरे पास गुड्स है या सर्विसेज है मैंने पहले कस्टमर को बेचा मैंने दूसरे कस्टमर को बेचा मैंने तीसरे कस्टमर को बेचा मैंने चौथे कस्टमर को बेचा ओके okay, जब मैं हर ट्रांजेक्शन बेच रहा हूँ इमेजिन करो सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं अगर मैं डायरेक्ट टैक्स के प्रिंसिपल इनडायरेक्ट टैक्स को लगा दूं तो सिचुएशन क्या हो जाएगी अब कोई स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेने आया मैंने कहा देख ओके okay, ये हमारा करंट ईयर है तो ये करंट ईयर में सिर्फ मैं तुझे फीस लगाऊंगा नेक्स्ट ईयर आना असेसमेंट ईयर में तब फर्स्ट क्लास जीएसटी पे करना आप भी खुश हो गए हाँ हाँ सर बिल्कुल जरूर आएंगे आपके पास ओके okay, आपको कैसे भूलेंगे ओके okay, आपके पास जरूर आएंगे हाँ पर नेक्स्ट ईयर आना जब असेस होगा टैक्स ओके okay, और अगर मैं डायरेक्ट टैक्स के प्रिंसिपल किसको लगा रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स को तो देखो कितनी गड़बड़ होने वाली है मैंने आपको बोला नेक्स्ट ईयर पहला स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट आया एडमिशन ले ली और सब पे मैंने ट्रस्ट किया कि नेक्स्ट ईयर आएंगे जीएसटी पे करके जाएंगे ओके okay, फिर नेक्स्ट ईयर मेरा स्टाफ कॉल कर रहा है हेलो आपका वो जीएसटी था ना पिछले बार जो एडमिशन ली थी प्रीवियस ईयर में अब आपको करंट ईयर में अब आपको करंट ईयर में उसका टैक्स देना है तो आप कहोगे हेलो हेलो कौन कौन इमेजिन करो कि आप सीसीडी में बैठे हो सीसीडी वाला आपको कह रहा है हाँ ओके कॉफी पी लो आप किसके साथ आए हैं पता है हमें अरे ना उसको भी पिलाओ आप भी पियो ओके हा पर क्या करना नेक्स्ट ईयर में आना हमारी शॉप में किसके लिए जीएसटी के लिए भाई साहब अगर ऐसा हुआ ना तो कोई आने वाला नहीं है ये जो टैक्स है वो ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स है अभी के अभी और यहाँ ना और भाई क्यों अभी के अभी क्वांटिफाई भी हो सकता है यहां असेसमेंट ट्रांजेक्शन बेस है इयर बेस नहीं है एक बार मेरे साथ फिर से बोलो यहां असेसमेंट ट्रांजेक्शन बेस है बेस नहीं है और यहां कौन सी डिडक्शन देना है यहां तो डिडक्शन तो छोड़ो एक्स्ट्रा लिए वो भी ऐड हो जाते अभी के अभी आई होप यू अंडरस्टूड इसलिए यहां ना कोई प्रीवियस ईयर रहेगा गवर्नमेंट अभी अभी। को अब देखो डिस्कशन आगे बढ़ रहा है बहुत सभी ध्यान देना बड़ा, बड़ा अच्छा डिस्कशन है आगे बढ़ रहा है और अभी क्या है कि भाई ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स अभी, अभी अब पहला स्टूडेंट आया एडमिशन ली मैंने फीस प्लस जीएसटी दूसरा स्टूडेंट आया एडमिशन ली फीस प्लस जीएसटी तो सर ये क्या इमीजिएट देना पड़ता है गवर्नमेंट को अब समझ लो एक इमेजिन करते हैं मैं बड़ा बिलीव करता हूं इमेजिनरी सिचुएशन ऐसा होता है तो क्या होता वैसा होता तो क्या होता जिसमें आपके इंटरप्रिटेशन बहुत स्ट्रांग बनते हैं हाँ एक क्या होता है पढ़ते वक्त आपके दिमाग में डर चलते रहता है कि यार मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा और एक अलग परसेप्शन से देखे कि जो हम पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा ये है यू आर बिकम रियल सी एस एम एस सी एस कि आपको वो भी सिचुएशन पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या अरे आया ना yes, तो अब एक सिचुएशन ऐसी इमेजिन करते हैं कि आइडियल सिचुएशन पहला एडमिशन हुआ पहला और गवर्नमेंट ने कहा जैसे तुमने पैसा लिया इमीजिएट गवर्नमेंट को पे करो इमीजिएट गवर्नमेंट को पे करो एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं ऐसा ठीक है तो पहला स्टूडेंट आया एज पर लॉ जैसे पैसा मिला गवर्नमेंट को पे करो ओके okay, सारे स्टूडेंट लाइन में खड़े हैं और मैं जो है पहला एडमिशन हुआ रुक जा रुक जा रुक जा ऑनलाइन पोर्टल पे जा ओके okay, बाकी सर सर रुक मुझे पे करना है मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया क्या मुझे पे करना है रुक दो मिनट ओके okay, मैं फिर पोर्टल पे जा रहा है जीएसटीएन पोर्टल ओपन हो रहा है यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जी ओ वी डॉट सर जी एस टी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर गए वहाँ पे चालान ओपन किया चालान पे पेमेंट दिया एक स्टूडेंट का पेमेंट कर दिया पे हो गया ओके okay, पाँच मिनट लग गए फिर दूसरा स्टूडेंट आया ओके okay, फिर पैसा कलेक्ट किया फिर दो ओके okay, सारे स्टूडेंट लाइन में लगे हैं ओके okay, और मैं बस पैसा आया पे करो पैसा आया पे करो पैसा आया पे भाई साहब मैं बिजनेस करने बैठा ओके okay, पता चला कि यहां पे जो है इतनी सारी एडमिशन में आज दिन भर में बस गवर्नमेंट के कंप्लायंस करने में मेरे दस ही एडमिशन हुई बाकी सारी एडमिशन दूसरे तरफ चलेगी ओके <laughs> <laughs> okay, समझ में आ बाकी सारी एडमिशन क्यों क्योंकि कंप्लायंस करने ओके okay, अभी अभी पे करना है तो नो डाउट गवर्नमेंट कहती है कि आपको टैक्स ट्रांजेक्शन बेस असेस करना है कौन से डॉक्यूमेंट में असेस करना है इन कौन से डॉक्यूमेंट में असेस करना है इन पर पे आपको इमीजिएट नहीं करना है एक मिनट एक मिनट दोनों में डिफरेंस समझ लो असेस इन में करना है एक बार फिर से असेस इन वॉइस में करना है पर पे आपको इमीजिएट नहीं करना है पे आपको मंथली बेसिस पे करना है आई रिपीट द वर्ड मैंने क्या कहा मंथली बेसिस में सर मंथली बेसिस मतलब क्योंकि क्यों इमीडिएट नहीं देना है क्योंकि बिजनेसमैन ना गवर्नमेंट को पकड़ पकड़ के हम बिजनेस करेंगे कि क्या करेंगे यार yeah. तुम्हारे कंप्लायंस में हमारा बिजनेस जा रहा है कस्टमर जा रहा है क्लाइंट्स जा रहा है अरे आया ना yeah. तो गवर्नमेंट कहती है कि हम तकलीफ नहीं देंगे आपको आप असेस करो इनवॉइस वाइज और पूरे मंथ में 1 तारीख से 30 तारीख या 31 तक ये समझ में आया क्या yeah. इस मंथ में जो भी आपने बनाए, क्या? बनाए और उसमें जो टैक्स असेस किया आप मंथली बेसिस पे पे करो आई रिपीट इसलिए जीएसटी का रिटर्न असेसमेंट मंथली बेसिस पे होता है ईयरली नहीं मंथली तो एक बार फिर से एक बार फिर से मुझे यह बताओ असेसमेंट मंथली है या असेसमेंट ट्रांजेक्शन बेस है असेसमेंट ट्रांजेक्शन बेस पर पेमेंट मंथली है आई होप यू अंडरस्टूड मंथली है hmm. कुछ केस में छोटे बिजनेसमैन वालों को क्वार्टरली है आई रिपीट छोटे बिजनेस वालों वाले ठीक है क्वार्टरली असेसमेंट है चलो यहां तक सबको क्लियर ऑनेस्टली बताओ इधर एवरीथिंग इज क्लियर अब देखो यहां पे मंथली बेसिस पे पर जैसा अब इमेजिन करो एक और एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि चलो तीस तारीख होगी अब एक और आइडियल सिचुएशन कि भाई एक तारीख से लेके तीस तारीख तक जो एडमिशंस हुई है उसका पूरा टैक्स मुझे पूरे मंथ का देना है और गवर्नमेंट ने कहा कि आपको जैसे तीस तारीख लेट्स लेके एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं ओके okay, हमारा मंथ है दिसंबर तो दिसंबर एक से लेके तो दिसंबर थर्टी फर्स्ट तक जितने भी इन्वॉइस मैंने असेस किए हैं टैक्स दो और वो फर्स्ट जनवरी को ही देना पड़ेगा आई रिपीट द वर्ड क्या फर्स्ट जनवरी को तो मेरे लिए चैलेंजेस क्या हो गया जैसे क्योंकि 30 तारीख को रात को 12 बजे तक के सारे ट्रांजेक्शन मुझे असेस करना है पे करने हैं और एक को मुझे पे करना है मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है सी फाइनल की एडमिशन इंटर की एडमिशन फाउंडेशन के एडमिशन ये ब्रांच के एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन्स उसके बाद में जहां तक देखा जाए अलग अलग ब्रांचेस की एडमिशन अगर कोई एयरटेल कंपनी होगी तो दुनिया भर की ब्रांचेस है उनकी अरे आया ना सबका असेसमेंट करना ओके फिर सभी ब्रांचेस पे क्रेडिट्स क्या है आईटीसी क्या है इनपुट टैक्स रेट कैसे मिलेंगे कौन सा टैक्स आउटपुट में आता है कौन सा टैक्स इनपुट में आता है ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है मेरी बात समझे क्या ये सारा कैलकुलेशन अब मेरी समझ लो यहां सौ ब्रांचेस होगी सौ ब्रांचेस का डेटा रात को बारह बजे सब बैठे डेटा दो डेटा दो डेटा दो क्यों क्योंकि कल रिटर्न देना है कल पेमेंट करना है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसलिए गवर्नमेंट ने आपको बीस दिन का टाइम दिया है बीस दिन का टाइम दिया मतलब मतलब जैसी मंथ होगा तो मंथ होने के बाद अगले महीने की जो बीस तारीख होगी ये पकड़ के रखना अगले महीने की तब आप सारा कैलकुलेशन करके पे करो तो ये ट्वेंटी डेज ग्रेस पीरियड फॉर पेमेंट है समझ में आया क्या तो एक बार अभी से डोर बांधो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी ट्वेंटी ऑफ क्या नेक्स्ट मंथ आई रिपीट दर्ड क्या ट्वेंटी क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस को समझती है गवर्नमेंट ये समझती है कि सारा डेटा एक दिन में कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है इसलिए बहुत रिजनेबल टाइम दिया गवर्नमेंट ने कितने दिन दिए बीस दिन अगले महीने के बीस तारीख तक आपको क्या पे करना है जीएसटी पे करना आई होप यू अंडरस्टूड तो मैं बस इस डिस्कशन से आपको क्या समझाना चाहता हूं ओके okay, कल परसों हम पोर्टल भी बताएंगे मैं आपको ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल बताऊंगा और मेरा अकाउंट एक्सेस करके बताऊंगा यस और नो उसमें डेटा नहीं बताओगा <laughs> तो जहां तक देखा जाए तो हम यहां पे पहली बात ओके इस डिस्कशन से हम क्या सीखे इस डिस्कशन से ये यह सीखे कि यहां असेसमेंट एक बार फिर से असेसमेंट ट्रांजेक्शन बेस है पेमेंट मंथली बेसिस और ड्यू ऑफ नेक्स्ट मंथ इज इट क्लियर ये तीन बातें हम यहां पे समझ गए ऑनलाइन सबको क्लियर है यस और नो ओके तो चलिए तो ये डिस्कशन हमने यहां पे देखा रिगार्डिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस यहां ये डिस्कशन एंड करते हैं अब डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं yeah. चलो यहां पे आ जाओ इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है फेडरल मतलब गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सा सेंट्रल स्टेट एंड लोकल ऑथोरिटी लोकल ऑथॉरिटी मतलब म्युनिसपल कॉरपोरेशन म्युनिसपल कॉरपोरेशन तो मैंने शायद कल बताया था तो जहां तक मेरे को याद आता है कि एक होता है नेशनल मॉडल ऑफ जीएसटी और एक होता है ड्यूल मॉडल ऑफ जीएसटी हमने कौन सा मॉडल यूज किया ड्यूएल मॉडल क्यों क्योंकि स्टेट वाले रेडी नहीं थे टीटीएमएम -टी 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 टीटीएमएम मतलब टू तेरा मैं मेरा ये बात समझी क्या तो इंडिया में हमने फेडरल स्ट्रक्चर में ड्यूल मॉडल यूज किया टीटीएम के बेस पर यूज किया यहां पे और अब थोड़ा हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं और फिर आगे के डिस्कशन आगे बढ़ते हैं देखो कोई भी एक्ट अगर आपको पढ़ना है ध्यान से सुनिएगा कोई भी एक्ट अगर आपको पढ़ना है तो उसका सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में होना बहुत जरूरी कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर सुप्रीम लॉ आई रिपीट द वर्ड क्या सुप्रीम लॉ एवरी एक्ट एवरी लॉ एमेट फ्रॉम अवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जन्म होता है ओके okay. नाउ इनकम टैक्स के लिए कोई बता सकता है व्हाट इज द एंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनकम टैक्स बना होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स होगा एंट्री नंबर बोल दो वन टू थ्री फोर हंड्रेड तक ले लो सर कोई भी तो, अगर आपको याद होगा तो एंट्री नंबर एटी टू अब अच्छा आपने ये पढ़ा है शेड्यूल सेवन में तीन लिस्ट होती है तीन लिस्ट पता है लिस्ट वन कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट लिस्ट टू कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट लिस्ट थ्री कॉल्ड एज कॉन्करेंट लिस्ट आई होप आपको याद होगा थोड़ा वो तो इनकम टैक्स की सोर्स एंट्री है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन सी 82 ऑफ लिस्ट वन, यूनियन लिस्ट तो इसका मतलब इनकम टैक्स स्टेट लॉ है हां बोलने के पहले सोचना अपने कॉन्शियसनेस को अपने चेतना को इतना कॉन्शियस रखना अरे है ना? मतलब नालायक कॉन्शियसनेस हाँ। ओके तो इतना कॉन्शियस रखना कि वो भी कॉन्शियस हो जाए तो इनकम टैक्स क्या स्टेट है ना स्टेट है ना सेंट्रल टैक्स है तो रेवेन्यू कौन लेता है सेंट्रल लेती है कंफर्म वेरी गुड तो चलिए यहां पे जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स देखते हैं टैक्स का सोर्स देखते हैं आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में हम मेनली यहां अभी तीन आर्टिकल देखने वाले हैं आर्टिकल 265, उसके बाद में आर्टिकल 245 और आर्टिकल क्या 246 ठीक है ना एक सिचुएशन ऐसी इमेजिन करते हैं कि समझ लो यहां पे योर नेम श्रेयस ठीक है दो मिनट के लिए इमेजिन करो इंडिया में कोई ऐसा जीएसटी जैसा लॉ नहीं है रिफंड वो भी इमेजिनेशन में ले ले बेटा हाँ तो यहां पे ओके तो दो मिनट के लिए इमेजिन करो कि इंडिया में जीएसटी जैसा लॉ नहीं नाउ यहां पे जो है श्रेयस बिजनेस कर रहा है कमा रहा है ओके okay, बिजनेस कर रहा है कमा रहा है और एक ऑफिसर आ गया और ऑफिसर ने यहाँ कहा कि मिस्टर आ, ने कहा यस सर, बोलिए आप बिजनेस कर रहे हो पैसा कमा रहे हो श्रेष ने कहा हाँ सर थोड़ा बहुत कर लेते हैं करे क्या थोड़ा बहुत चल जाता है ऑफिसर तो ने कहा मिस्टर श्रेयस पे टैक्स ऑन योर बिजनेस श्रेयस ने कहा टैक्स आप बिजनेस कर रहे हो सेल कर रहे हो, ओके सेल्स टैक्स दे दो श्रेष्ठ ने कहा वेट 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 डू यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी टू कलेक्ट एंड लेवी ये टैक्स फ्रॉम मी? ऑफिसर ने कहा वाह इतना इंग्लिश ओके श्रेयस जो है ओके मिस्टर ऑफिसर अगर आप हमने इमेजिन किया इंडिया में कोई जीएसटी लॉ या बिजनेस टैक्स नहीं है इमेजिन किया हुआ है ठीक है ऑफिसर yeah. पहले जाओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऑथोरिटी लो एंड देर आफ्टर लेवी एंड कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम मी डू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी ऑफिसर ने कहा भाई श्रेयस मैं ऑफिसर हूं आवाज श्रेयस ने कहा हम पब्लिक है oh. अरे हाया ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे राइट्स है ये कोई इलीगल हफ्ता नहीं है अगर आप लीगल हफ्ता लेना चाहते हो तो पहले जाओ उसका नाम पूछ के आओ वो कौन थी अरे है ना वो कौन थी जा नाम पूछ के आओ तो यहां पे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी लेके आओ और उस कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको परमिट करता है तो आप पब्लिक से टैक्स ले सकते हो अदरवाइज आप टैक्स नहीं।, नहीं, ले नहीं ले सकते नहीं ले सकते नहीं ले सकते वो एकता कपूर की सीरियल देखी होने तीन बार कैमरा आना चाहिए <laughs> तो अब ऐसे कैसे आप टैक्स नहीं।, नहीं ले सकते ऑफिसर ने कहा बट आप बिजनेस कर गिराग, गिराग गिराग की बहुत इंसल्ट हुई उसने भी कसम खा ली कसम की कसम कसम से छोड़ूगा नहीं श्रेयस को दिल से अब उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लूंगा मैं टैक्स लगाऊंगा और ये बिजनेसमैन वाले को तो टैक्स देना अरे समझा नहीं समझा तो ये बिजनेसमैन वाले को तो टैक्स देना ही पड़ेगा भाई साहब अब क्या करें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कैसे ले वो गया आर्टिकल 265 के पास इमेजिन करो मैं बड़ा इमेजिन करता हूं एक आर्टिकल 265 एक बंदा है है ना और उस बंदे के पास कौन गया ऑफिसर ऑफिसर ने कहा मिस्टर आर्टिकल 265 आर्टिकल 265 ने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए क्या क्या करना है आर्टिकल 265 वो शेयर से मुझे टैक्स कलेक्ट करना है बिजनेस कर रहा है पैसा कमा रहा है पर कोई टैक्स नहीं दे रहा है आर्टिकल 265 कहता है अब प्रोविजन पढ़िए क्या मिस्टर ऑफिसर नो टैक्स शैल बी लिव कलेक्टेड एक्सेप्ट अंडर द ऑथरिटी ऑफ लॉ ऑफिसर आपको टैक्स कलेक्ट करना है पब्लिक से कलेक्ट करना है हाँ ऑफिसर ने कहा हा कलेक्ट करना है पब्लिक से कलेक्ट करना है तो कोई भी इंडिया में टैक्स वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो अगर आपको लेवी या कलेक्ट करना है तो आपको उसकी ऑथोरिटी बाय लॉ लेनी पड़ती है और वो लॉ से ऑथोरिटी मिलने के बाद ही आप लीगल हफ्ता ले सकते हो अरे है ना ये हफ्ता बोलना गलत है रिकॉर्ड हो रहा है मुझे पता है पर लीगल टैक्स ले सकते हो ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में ओके okay, आपको अगर किसी भी पब्लिक से शेयर से या कोई भी बिजनेसमैन से टैक्स लेना है तो आपको ऑथोरिटी लेनी पड़ेगी सो नो टैक्स लिविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट ऑथॉरिटी ऑफ लॉ तो ऑफिसर ने पूछा आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव आर्टिकल 265 ने कहा यस ये बताओ कि लॉ इंडिया में कौन बना सकता है मैं तो लॉ बना के रहूंगा और वो श्रेयस को नहीं छोड़ूंगा उसने बहुत इंसल्ट किया मेरे कसम की कसम कसम से नहीं छोड़ूगा उसको दिल से। तो उसने तो बहुत इंसल्ट किया बताओ लॉ कौन इंडिया में बना सकता है आर्टिकल 265 कहता ओह यू वांट टू नो हु कैन मेक द लॉज इन इंडिया यस तो गो टू आर्टिकल 246 सॉरी टू टू ओके आर्टिकल 245 के पास जाओ ये सब पढ़ाया आपने थोड़ा अलग परसेप्शन से पढ़ा रहा हूँ अरे है ना तो आर्टिकल 245 जो है वो क्या कहता है आर्टिकल 245 अब समझ लो वो ऑफिसर जा रहा है और वो ऑफिसर आर्टिकल 245 के पास गया ओके यस मिस्टर आर्टिकल 245 इधर देखिए आर्टिकल 245 क्या है ओके okay, सर वो Uh, मुझे कहा गया कोई टैक्स लगाना है तो क्या बनाना चाहिए लॉ बनाना चाहिए ये बताओ कि इंडिया में लॉ कौन बना सकता है मैं बना लू नालायक कौन सुनेगा तेरी अरे आया ना अगर यहां मैं सबको कहूं कि सब चुप बैठो तो ये लॉ है और श्रेय आगे बोलेगा चुप बैठो कोई सुनेगा नहीं अरे है ना कोई सुनने वाला नहीं, नहीं है तो यहां ऑथोरिटी कौन है लॉ बनाने की तो आर्टिकल 245 फोर्टी फाइव यू टू नो कैन मेक द लॉज इन इंडिया यस तो देखो वो क्या कहते इट एम्पावर एक एक वर्ड सुनना इट एम्पावर द पार्लियामेंट आई रिपीट क्या इंडिया yeah. में लॉ बनाने की पावर किसके पास है पार्लियामेंट टू मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ क्या इंडिया yeah. अगर इंडिया से रिलेटेड लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट के पास पावर है एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे मेक द लॉस फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ द क्या स्टेट स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाना है तो विधानसभा राज्यसभा नहीं विधानसभा ऑफ़ स्टेट अ पावर टू मेक द लॉ तो सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं यह सवाल खड़ा होना चाहिए हमें यह जानना है कि आने वाला जीएसटी लॉ ये सेंट्रल है स्टेट या कंबाइन है देखते हैं। मुझे नहीं पता कुछ आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया क्या हम कंबाइन है पर जन्म तो यहां से हो रहा है ओके तो अब यहां पे मिनट कोई भी टैक्स क्या टैक्स क्या जीएसटी एक है हाँ या ना पर कोई भी टैक्स लगाना हो तो हमें क्या लॉ बनाना जरूरी है तो ही लॉ बना के हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं लॉ बनाने की पावर आर्टिकल 245 में किसको दी गई है पार्लियामेंट को सेंट्रल और स्टेट से रिलेटेड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विधानसभा को दी गई है यहां तक तो किसी को कोई डाउट ना no. अब मैं थोड़ा आर्टिकल 246 पे आऊंगा थोड़ा वेट करना हम तीन लिस्ट देखेंगे एक लिस्ट पता है आपको यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कौन कौन हम देखेंगे लेकिन अब थोड़ा मैं टर्न होता हूं टूवर्ड्स क्या जीएसटी हम आर्टिकल 246 पे बाद में आएंगे हम टर्न होते हैं टूवर्ड्स क्या जीएसटी वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट ओके और जीएसटी का इंट्रोडक्शन होने जा रहा है ओके okay, जीएसटी आ रहा है अब देखो बेटा यहां पे मैंने नोट्स में नहीं लिया वो आगे लिया है पर अभी बता दू आर्टिकल 246 में आई रिपीट आर्टिकल 246 में शेड्यूल सेवन था शेड्यूल सेवन जिसमें तीन लिस्ट दी हुई थी कौन सी तीन लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन करंट लिस्ट थोड़ा ये लिस्ट को समझ लो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड क्या कॉन करेंट लिस्ट अच्छा कोई बता सकता है माइक देना प्लीज माइक का अरेंजमेंट करो आ, यहां पे यूनियन लिस्ट मतलब क्या होती है मैं सोचने पे मजबूर करूँगा और जो मेरे साथ सोचना चाहता है उसको लाइफ में इतने फायदे मिलेंगे कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट करना उसको समझ में आ जाएगा ठीक है हाँ जो नहीं और मैं आपको कह दूँ आपका बेनिफिट कैसे करवाना है यहाँ पे मेरे से कितनी चीजें ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है यहाँ पे मैं तो पढ़ा के निकल जाऊँगा तो मेरे से कितना आप इंसाइट ले सकते हो आप पे उड़ा उसको। रात को साढ़े दस बजे सो जाने का ज़्यादा ज़्यादा बजे। रात को मोबाइल पे बात नहीं करने का हॉस्टल में रहते हो तो छुपके छुपके वो कॉर्नर में जाके बात नहीं करने का ठीक है तो यहाँ पे और अब कोई सोया तो उसको एक सॉन्ग लर्न करके आना पड़ेगा मुझे नींद मुझे yeah. ना और वो यहां डायस पे आके सॉन्ग आना पड़ेगा रेडी है ये पनिशमेंट है हाँ तो यहां पे ये, ये आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स शेड्यूल सेवन यूनियन लिस्ट ये क्या है भाई

इंक्लूड दॉपिक्स विच आर कंट्रोल्ड एंड जो ऑनलाइन कनेक्टेड है ना स्टूडेंट की आपको बताइए स्टूडेंट की आवाज आ रही है ना आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया okay, तो पे हुआ इंडिया में जब इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो ऑनरेबल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने जान के फेडरल स्ट्रक्चर रखा कि यहां पे कहीं पे भी कंट्रोल किसी एक गवर्नमेंट के पास नहीं जाना चाहिए आजकल लोग डर रहे हैं अभी की सिचुएशन में कि कहीं कंट्रोल शिफ्ट तो नहीं हो रहा है कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट के पास ओके पर जहां तक देखा जाए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो जितनी डिवाइडेड पावर होगी ठीक है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगता है लेकिन कई हिटलर जैसा ना हो जाए अरे आया ना अगर यहाँ पे सिंगल कंट्रोल चले गया तो कई कंट्री की सिचुएशन हिटलर जैसी ना हो जाए एक कॉन्शियसनेस में ना चले एक थीम पे ना चले जहाँ अच्छा क्या और बुरा क्या ये समझ में ही ना आए तो जहां तक देखा जाए जानबूझ के इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर लाया गया और इतनी पावर डिवाइड की गई जिसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से चीजें लेट हो जाती है लेकिन हाँ एटलीस्ट कंट्रोल सिंगल कंट्रोल नहीं होता है ओके okay, डिवाइडेड होता है उसका बड़ा फायदा यह भी है अब देखो क्या हुआ इस बेस के जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो यहां ऑनरेबल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पहली क्लियर कर दिया कि हम लिस्ट बनाएंगे सेंट्रल की क्या पावर्स होगी स्टेट की क्या पावर्स होगी और कुछ टॉपिक पे दोनों की पावर्स होगी अरे है ना जिसमें उन्होंने लिस्ट बना के दे दिया कुछ मैटर पे सेंट्रल ही काम करेगी कुछ मैटर पे स्टेट काम करेगा और कुछ मैटर पे दोनों जैसे अगर मैं टैक्स रिलेटेड बात करूं तो टैक्स रिलेटेड जैसे इनकम टैक्स इनकम टैक्स का रेवेन्यू कस्टम्स का रेवेन्यू ये टोटली totally किसका रहेगा सेंट्रल का ही रहेगा दूसरा स्टेट स्टेट में पहले जो था वो वैट था वैट को सेल्स टैक्स कहते थे अरे है ना स्टैंप ड्यूटी है ऐसे बहुत सारे टैक्सेस है जो लिस्ट टू में है जहां स्टेट का ही रेवेन्यू रहेगा या कोई अदर मैटर जो सोशल वेलफेयर मैटर है कॉन्करन लिस्ट क्यों था अब ध्यान से सुनना कॉन्करन लिस्ट जो था यहां पे ये ऐसे कुछ मैटर जहां दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाएगी जैसे टेररिज्म आई रिपीट वर्ड क्या टेररिज्म टेररिज्म पे सेंट्रल लॉ भी है और स्टेट पर दोनों अपने अलग अलग बनाएगी समझ में क्या? दोनों लॉज अपने अलग अलग बनाएंगे दोनों मिक्स करके नहीं बनाएंगे कंबाइन करके नहीं बनाएगी सेंट्रल का टेररिज्म पे अपना लॉ है स्टेट का पर वो सब्जेक्ट कॉमन रहेगा एजुकेशन सेंट्रल एजुकेशन भी है स्टेट एजुकेशन भी समझ में आ रहा है क्या तो दोनों आप अपने लॉस अलग बनाएगी ओके okay, दोनों का कंबाइन अब जीएसटी का जन्म कैसे हुआ वो आपको मैं बताना चाहूंगा इंडिया में लगभग 17 ऐसे टैक्सेस थे अब उसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अब वो इतनी रिलेवेंट भी नहीं है 2017 के बाद ओके okay, आज लगभग आठ साल होते आ रहे हैं ओके okay, तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि 17 ऐसे टैक्सेस थे जो कुछ सेंट्रल के हाथ में थे कुछ क्या स्टेट के हाथ में थे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में थे एग्जाम्पल के तौर पर एक्साइज एक्साइज सेंट्रल के हाथ में था ओके, okay, अगर आप प्रोडक्शन करते हो अगर आप हाँ प्रोडक्शन पे एक्साइज था अगर जिसको हम हिंदी में कहते थे उत्पादन प्रोडक्शन आर मैन्युफैक्चर इसका जन्म कैसे हुआ था एक्साइज का जस्ट शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि पहले जो लोग बाहर से बिजनेस करने आ रहे हैं ओके तो वो टेरिटरी क्रॉस करके आ रहे हैं तो यहाँ के राजाओं को उनको बिजनेस करने के लिए कुछ देना पड़ता था लेकिन जो अनाज उगा रहे हैं अरे है ना जो हमारे ही किंगडम में है और जो अनाज उगा रहे हैं ओके प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी देना पड़ता था ये समझ में आ रहा है या कोई चीज बना रहे हैं और बिजनेस कर रहे तो उनको भी देना पड़ता था जिसका नाम पड़ा क्या एक जो स्टार्ट हुआ मदिरा से मदिरा, मदिरा लेकर ओके जो स्टार्ट हुआ मदिरा से और धीरे धीरे फिर जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ओके उत्पादन कर रहे हो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा एक्साइज और सेल्स टैक्स में डिफरेंस था एक्साइज प्रोडक्शन पे लगता था आई रिपीट क्या एक्साइज प्रोडक्शन पे लगता था और सेल्स टैक्स क्या सेल्स पे लगता था यानी एक मैन्युफैक्चरर अगर हम पुरानी बात करें ओके हिस्ट्री है तो एक मैन्युफैक्चर दो टैक्स देता था कौन से दो टैक्स देता था उसने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया समझ लो उसने ये कीबोर्ड मैन्युफैक्चर किया तो मैन्युफैक्चर का टैक्स लगता था ओके मैन्युफैक्चर okay, का और ये ओके okay, मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है जितने इवेंट को टच करेगा करंट लगेगा पहले उसने मैन्युफैक्चरिंग इवेंट को टच किया एक्साइज लगा और फिर इसको सेल किया सेल्स टैक्स लगा एक्साइज स्टेट के, सेंट्रल के हाथ में था और सेल्स टैक्स स्टेट के हाथ में था सेल्स टैक्स स्टेट के हाथ में था ऐसे इतने अलग अलग टैक्सेस इंडिया में लगते थे कि जिससे इंडियन इंडस्ट्री तो परेशान थी साथ साथ में फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया में आने के लिए डर रही थी क्यों डर रही थी क्योंकि भाई तुम्हारे कंट्री में अगर हम आए तो आप हम, हम आप एक्साइज भी लगाओगे सेल्स टैक्स भी लगाओगे टर्न टैक्स भी लगाओगे ऑप्ट्राई भी लगाओगे लोकल बॉडी टैक्स भी लगाओगे परचेज टैक्स भी लगाओगे एंटी टैक्स भी लगाओगे सर्विस टैक्स भी लगाओगे इतने टैक्सेस है कि बिजनेस कम टैक्सेस कोई एक ऐसा टैक्स लगाओ एक ही लगाओ बस Again. एक ही टैक्स लगाओ और इतने सारे टैक्सेस क्या लेके बैठे हो Okay, एक टैक्स लगाओ जो पूरे नेशन में एक टैक्स हो वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट आज क्या है एक मैन्युफैक्चरर एक्साइज सेल्स टैक्स दे रहा है दूसरा ट्रेडर ट्रेडर सेल्स टैक्स दे रहा है ट्रेडर जब भी मैं ट्रेडर करूं मतलब परचेस और सेल और एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला सर्विस टैक्स दे रहा है ये आप इतने टैक्सेस लगा के बैठे हो इतने अलग अलग फॉर्मेलिटीज और आपको कहो जितने ज्यादा टैक्सेस उसकी उतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज थोड़ा इस बात को समझना फॉर्मेलिटीज क्या आप इनकम टैक्स मुझे बताओ सेल्फ असेसमेंट होता क्या है मैं आप थोड़ा डिस्कशन को डायवर्ट करो सेल्फ असेसमेंट होता क्या है क्या सेल्फ असेसमेंट होता है क्या कोई बताएगा हाँ बोलो टैक्स जो है हम खुद कंप्यूट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट है या सेल्फ असेसमेंट है सेल्फ असेसमेंट है, है? कि डिपार्टमेंट का असेसमेंट है कोई तो बताना बेसिक है यार मैं तो ये लूंगा आपका हाँ इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट है या डिपार्टमेंट असेसमेंट है अच्छा म्यूनिसिपल टैक्स मुझे बताओ आप खुद असेस करते हो या लग के आता है लग के आता है इतना बेसिक नॉलेज है मतलब वो डिपार्टमेंट असेसमेंट है इनकम टैक्स क्या है अगर भाई साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट होता ना तो आप क्लास नहीं करते है? ये समझ में आया क्या इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट है ये आपने इनकम टैक्स क्यों पढ़ा बताया क्या इंडियन गवर्नमेंट कहती है ध्यान से सुनना इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे सारे इंडियन सिटीजन पे हमारा ट्रस्ट है ऐसा गवर्नमेंट का मानना है कि वो ऑनेस्टली अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे ऑनेस्टली अपना टैक्स असेस करेंगे और ऑनेस्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे हम उनके ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं अरे आया ना हाँ तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप अपना टैक्स खुद निकाल के दो सर पर वो तो लेमैन है उसको क्या समझ में आता है कि टैक्स कैसे निकालना उसके लिए अगर वो लेमैन है तो उसके लिए ये जो वहां से यहां तक और जो ऑनलाइन बैठे हुए स्टूडेंट सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहे हैं क्लासेस कर रहे हैं ये लोग आपको हेल्प करेंगे ये लोग आपको हेल्प करेंगे और ये हेल्प कोई फ्री नहीं रहेगी तो एक्चुअली आपको बताओ क्या नाउ टैक्स असेस करने की जिम्मेदारी सीएमए या सीएस की नहीं है वो जिम्मेदारी उस टैक्सेबल पर्सन की है पर वो टैक्सेबल पर्सन को समझता नहीं है समझ में है ना तो उसका टैक्स कैसे असेस किया जाएगा एज पर लॉ आप जो घंटों बैठ के यहां पे सीखे हो और मैंने घंटों बैठ के सीखा है और पढ़ाया है बाल गए वापस लगाए ठीक है, है जहां तक है इन शॉर्ट इन सिंपल वर्ड ध्यान से सुनना जो हमने मेहनत की है ये हम हम हमारे टैक्स पेयर का टैक्स असेस करते हैं और वो रिटर्न पे उनकी साइन लेते हैं ये समझाया है नहीं समझा सर हम डिस्कशन किधर ले जा रहे हैं जहां ले जाना है वहीं ले जा रहा हूं वापस आओगे अपने लाइन पे ये समझ में आया क्या तो इन शॉर्ट जहां तक है इंडिया में क्या है बेटा सेल्फ असेसमेंट और जीएसटी में भी सेल्फ गवर्नमेंट कहती है पहले आपका चांस आप असेस करो आपका टैक्स आप ऑनेस्टली बताओ अच्छा आपने टैक्स असेस कर लिया कॉम्पिटेशन ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी अरे है ना फिर वो जो भी कैलकुलेशन वगैरह समझ में आया क्या ओके वो आपने कर लिया फिर क्या कैपिटल गेन आपने लॉ जो भी है बताया क्या ठीक है आपने क्लाइंट का असिस्ट करके ले लिया फीस ले लिया जा बेटा फाइल कर रिटर्न यही समझ में आया क्या ओके मैं बैठा हूं कुछ हुआ दो पता है गवर्नमेंट तेरे को पकड़ेगी पर मैं बैठा हूं हाँ फीस तो लगेगी ये समझ में आया क्या तो मैं बैठा हूं तो अब ऐसे सिचुएशन में दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा यह बताओ कि टैक्स कॉम्पीट होगा सेल्फ असेसमेंट हो गया टैक्स उसका कॉम्पीट हो गया पर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा तुमने टैक्स कॉम्पीट किया भाई गवर्नमेंट को बताओ ना तुम कैसे किया कौन से डॉक्यूमेंट से बताओगे उस डॉक्यूमेंट का नाम है रिटर्न उस डॉक्यूमेंट का नाम है रिटर्न इज द सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द टैक्स पेयर आई रिपीट द वर्ड रिटर्न इज सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द टैक्स पेयर तो गवर्नमेंट क्या करती है पहला चांस आपका हमारे साथ धोखा मत करना किसी ने हमने आपके ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है ओके टैक्स असिस्ट करो और सबमिट करो फिर ऑफिसर के पास रिटर्न आता है फिर रिटर्न में जब वो देखता है कुछ तो फिर चालू होती है स्क्रूटनी अरे है ना अगर आपने हमारे साथ अगर धोखा किया तो फिर हम पूरी बारात लेके आएंगे फिर हम पूरी बारात लेके आएंगे पहला चांस आपका पहला चांस आपका नहीं तो पूरी बारात आएंगे जिसमें दुला होगा टैक्स दुला होगा टैक्स पेनल्टी, फाइन अरेस्ट इंप्रिजनमेंट ये हो गए बाराती ये समझ में आया कि नहीं ये हो गए धोखा मत करना धोखा हुआ तो छोड़ेगे नहीं ये समझ में आया क्या फिर छोड़ेगे नहीं आप इतना पढ़ते हो कैपिटल गेन आप पढ़ते हो सैलरी कभी से सवाल आया इतना सब पढ़ रहे हैं नहीं किया तो नहीं दिया टैक्स तो हो, क्या होगा सोचा नहीं दिया नहीं किया कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया सैलरी कैलकुलेट नहीं दिया गवर्नमेंट को क्या होगा थोड़ा तो इमेजिन तो करो गवर्नमेंट कहेगी अगर हमें पता चला तो पूरी बारात लेके आएगी पूरी बारात लेके आएंगे जिसमें बाराती हो गए फाइन कॉन्फिस्केशन अरेस्ट इंप्रिजनमेंट एम्प्रिजनमेंट ओके okay, और ऐसा डंडा मारेंगे कि आजू बाजू वाले दस भी डर जाएंगे हेलो स्टैंड अप खड़ा हो जा क्या चल रहा है क्या चल रहा है इसको ऐसा डंडा मारेंगे कि सब डर जाएगा गवर्नमेंट रिलैक्स रिलैक्स एग्जाम्पल था एग्जाम्पल था तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक पैसे जोरदार पेनल्टी लगाएगी और उसका पेपर में नाम डाल देगी इधर नाम डाल देगी सारे लोग डर जाएंगे रहने से भाई चुपचाप बैठ अरे समझाया नहीं समझा रहने दे भाई चुपचाप बैठ क्या है तो अभी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने टैक्स इवेजन कर दिया मैंने टैक्स नहीं दिया होगा क्या गवर्नमेंट ऐसे वेपन यूज करती है ना क्योंकि सब पे तो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए सब पे तो वो इंडिया में इतने लोग हैं कहां से सबको चेक करते बैठेंगे लेकिन एक दो लोगों को पकड़ के ऐसे डंडा मारती है कि पूरा क्लास ये समझाया नहीं समझे? तो ऐसे केस में जो उसको फिर पेनल्टी लगाएगी अभी क्या किया उन्होंने जीएसटी इन्वेस्टिगेशन हुआ दो गहने पहले. Okay, जो लोगों ने जीएसटी कंप्लायंस नहीं किए हर सिटी में कम से कम उन्होंने 200 से 300 सौ स्क्रूटिनी करवाई और कंपलसरी डिपार्टमेंट को कह दिया कि जानबूझ के जाओ और स्क्रूटिनी करो ऐसा माहौल फैला दो जीएसटी से लोग क्या डर नहीं सह रियली बता दो आपको इतने उन्होंने ऐड किया यहां स्क्रूटी नहीं वहां स्क्रुटी नहीं हुई इतना पैसा कलेक्ट हुआ उतना पैसा कलेक्ट हुआ ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया मेरे पास ओके छोटे छोटे बिजनेसमैन भी आने लगे यार जीएसटी की कुछ गड़बड़ हो रही है ओके हमारे कंप्लायंस चेक कर लो डर जाते हैं लोग और उनका यही तरीका है समझ में आया क्या अब लोग ये कहते हैं कि पता कैसे चलेगा देखो मैं आपको एक बात बता दूंगा पता नहीं चला तो बचे पर पता अगर चल गया तो पूरी बारात बारा नो एंट्री सामने है गार्डन के बाजू से वहां आरटीओ खड़ा है अगर वहां आरटीओ खड़ा नहीं और तुम निकल गए तो बच गए तुम निकल गए तो बच गए पर वो बराबर जैसे आप एंटर हुए नो एंट्री में और वो बाहर निकला फिर तो बात है बेटा पोल्यूशन ये बता लाइसन बता वो बता फटरी बहरा तो मैं इसलिए कहता हूं इवन दो रिकॉर्ड हो रहा है पर मैं कहता हूं फ्रॉड करना पाप नहीं है पकड़े जाना पाप ये समझ आया क्या पकड़े जाना पाप अब कोई वो कॉर्नर में बात कर रहा है कोई कॉर्नर में बात कर रहा है या कोई बात कर रहा है वो बात कर रहे हो वो, वो पूरे लेक्चर में आजू बाजू में बैठे हैं बातें कर रहे है ओके यहां पे शोनू मोनो चल रहा है अरे तो अब जहां तक है वो नहीं पकड़े जा रहे जबकि मेरे लोग हैं यहां पे हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे अरे अब वो ओके जहां तक वो नहीं पकड़े जा रहे पर वो अगर पकड़े गया तो पूरी और इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है क्या टैक्स तो लगेगा टैक्स तो क्यों ऊपर से पेनल्टी भी की इंटरेस्ट भी की गुड्स भी की और मैं भी की नहीं समझा मतलब टैक्स लगा गुड्स कॉन्फिस्केट हो गए कॉन्फिस्केट मतलब जब्त हो गए पूरा सील लग गया प्रीमाइस को अरे ये पेनॉल्टी भी लग गई इंटरेस्ट भी लग गया और अरेस्ट भी हो गया तो एक बार फिर से कि भाई अगर आपने टैक्स नहीं दिया और आप पकड़े गए तो पूरी भारत आता दूला होगा टैक्स नाचने वाले हो गए भारत आई होप यू अंडरस्टूड वापस आता हूं मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं मैं आपको यह पढ़ाना चाहता हूं कि इंडिया में सेल्फ असेसमेंट है और यह सेल्फ असेसमेंट इनकम टैक्स में भी था यह सेल्फ असेसमेंट एक्साइज में भी था और यह सेल्फ असेसमेंट क्या वैट वैट में भी था और ये सेल्फ असेसमेंट सेल अभी क्या जीएसटी में जीएसटी में कंटिन्यू कि ब्रेक चाहिए तो ब्रेक चाहिए तो चलिए ब्रेक यहाँ पे दस मिनट का लेके आ जाओ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फाइव मिनट्स ठीक है बड़ा बड़ा जाओ नहीं अच्छा तो हेलो हेलो चलिए तो हमारा जो डिस्कशन है हम कंटिन्यू करेंगे So, दोस्तों हमने यहां पे चलो यहां कनेक्ट हो जाओ फटाफट अभी पिछले आधे घंटे में क्या समझने की कोशिश की ये आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं हमने देखा सेल्फ असेसमेंट सिस्टम कौन सा देखा बेटा सेल्फ असेसमेंट सिस्टम सेल्फ असेसमेंट सिस्टम मतलब हमारा टैक्स डिपार्टमेंट असेस करके देखा कि हम असेस करेंगे और अगर आपको लॉ समझता है तो आप करो आपको नहीं समझता है तो एक्सपर्ट का कंसल्टेंसी लो पर आपको खुद को ही अपना असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा तो हमने ये यहां पे समझने की कोशिश की सेल्फ असेसमेंट सिस्टम नाउ ये सेल्फ असेसमेंट सिस्टम जैसा इनकम टैक्स का पोर्टल है इनकम टैक्स के वेबसाइट का नाम क्या है डब्ल्यू 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 डॉट जीएसटी का याद आ रहा है इनकम टैक्स का चलो सेल्फ असेसमेंट सिस्टम में जो टैक्स पेयर होता है वो टैक्स पेयर को अपना टैक्स असेस करना पड़ता है <coughs> टैक्स पेयर को अपना टैक्स असेस करना पड़ता है और ये टैक्स पेयर को जो अपना टैक्स असेस करना पड़ता है ध्यान से सुनना इसको हेल्प करते हैं हम एज अ सी एज अ सी और एज अ सी एस या टैक्स कंसल्टेंट इसको हम हेल्प करते हैं लेकिन यहाँ पे ये जो टैक्स असेस करता है इस टैक्स का एक डॉक्यूमेंट देता है उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है रिटर्न तो जो इनकम टैक्स पोर्टल है इनकम टैक्स पोर्टल पे यहाँ पे जो ऑनलाइन पोर्टल है ये अपना एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता है और उसका नाम होता है क्या बेटा रिटर्न रिटर्न में वो क्या क्या बताता है रिटर्न में अगर हम इनकम टैक्स का एग्जाम्पल ले तो रिटर्न में वो बताता है कि उसकी इनकम सैलरी से कितनी हुई अरे याद है ना पांच हेड से याद है प्लस डिडक्शन क्या मिलेंगे क्लबिंग क्या होगी टीडीएस कितना कटा जिस कुछ याद आया सेट ऑफ कितने हुए कैरी फॉरवर्ड कितना हुआ ये सारा कैलकुलेशन करके वो देता है रिटर्न में और जितना उसका नेट टैक्स है वो नेट टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है आई होप यू अंडरस्टूड रिटर्न में फिर कौन से आई टी आर रिटर्न को क्या कहते हैं यहां पे आई टी आर ही कहते हैं ना फिर वो वन टू थ्री फोर जो भी होगा ओके okay, पर वो आई टी आर फाइल करेगा जैसे ही आपने अपना टैक्स असेस करके दिया किसको असेस करके दिया गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसके ऊपर क्या करता है स्क्रूटिनी स्क्रूटिनी अब तो एआई यूज किया जा रहा है और एआई का जमाना है चैट जीपीटी का जमाना है समझ में आया क्या तो अब ए आई यूज़ करता है जहां उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज है बहुत ज़्यादा गड़बड़ है या हाई टैक्स पेयर है ओके हाई टैक्स इनकम अर्नर है तो वो सिलेक्ट करते हैं सबका स्क्रूटिनी नहीं पॉसिबल है ओके सबका नहीं कुछ लोगों का जहां वो ए चेक करता है पहले ऑफिसर मैनुअल चेक करता था अब ए चेक करता है जीएसटी में तो पूरा ए लगा के रखा हुआ है उन्होंने ठीक है तो वो चेक करता है फिर वो सॉर्ट आउट करके देता है कि भाई यहाँ डिस्क्रिपेंसीज़ मिल रही है तो फिर वो जो आपने रिटर्न फाइल किए वो रिटर्न यहां पे वेरीफाई किए जाते बाय द ऑफिसर तो उसको हैं हम क्या बेटा स्क्रूटिनी उसको क्या कहते हैं स्क्रूटिनी नॉर्मल लैंग्वेज में या लीगल लैंग्वेज में उसको कहा जाता है स्क्रूटिनी असेसमेंट कभी नाम सुना है स्क्रूटिनी तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ असेसमेंट एंड स्क्रूटिनी असेसमेंट असमेंट सेल्फ असेसमेंट मतलब पहले आप बताओ पहले आप बताओ आप अपना टैक्स असेस करो अगर ऑफिसर को डाउट है या बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज है एज पर लॉ आपने कैलकुलेशन नहीं किया है ज्यादा खर्चे बताए हुए हैं, तो वो केस में ऑफिसर आपकी क्या करेगा स्क्रूटिनी स्क्रूटिनी में पता चल गया कि हाँ आपने गड़बड़ की है आपने क्या किया है फ्रॉड किया है आपने सॉरी आपने फ्रॉड किया है ये पता चल गया है इसको इनकम टैक्स में कहते हैं अनडिसक्लोज इनकम कभी नाम सुना है आपने ओके yeah. okay, कि आपने कुछ इनकम अनडिसक्लोज कर दी एक्सपेंसेस ज्यादा बता दिए ठीक है तो जिसे अनडिसक्लोज इनकम को नॉर्मल प्रैक्टिस में ब्लैक मनी कहा जाता है ब्लैक मनी मतलब काला पनी नहीं होता है मतलब ऐसा मनी जो आपने टैक्स में नहीं बताया उसको कहते हैं अनडिसलोज इनकम जनरल प्रैक्टिस में कहते हैं ब्लैक मनी प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन भाई साहब क्लास स्टार्ट कर दिए फिर से कहता हूं जितना ज्यादा ये फ्लो भी इंपॉर्टेंट है अगर आप रफ डायरी में ड्रॉ कर रहे होगे तो ख्याल रखना इस कोर्स में आपका हर मोमेंट उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लाइफ के लिए जरूरी है ये कोर्स अगर सच में पास हो गए ना आपकी फाइनेंशियल लाइफ तो बना के रख देगा और अपनी फाइनेंशियल लाइफ स्टेबल करनी है तो आपको अपना हंड्रेड परसेंट देना है ठीक है तो जहां तक देखा जाए वो फ्रॉड जो होगा आपने किया तो फिर बाद में वो स्टेप लेते हैं सर्वे या रेड जिसको हम क्या कहते हैं रेड रेड मतलब इन्वेस्टिगेशन आपका इन्वेस्टिगेशन फिर वो कंफर्म करते हैं कितने का फ्रॉड हुआ आपने रेड मूवी जरूर देखना डाउनलोड करके देखना ठीक है रेड मूवी देखना आपको पूरी प्रोसीजर समझ में आ जाती है तो वो रेड जो होती है फिर वो कंफर्म करते हैं कितना अनडिस्कलोज है क्या है कितना मनी है और अकॉर्डिंगली फिर लाते हैं पूरी बारात आपके अगेंस्ट में ठीक है तो ये पूरा फ्लो होता है असेसमेंट में मैं ये क्यों बता रहा हूं और इनकम टैक्स का रेफरेंस क्यों ले रहा हूं और ये इनकम टैक्स नहीं भी हुआ तो कॉमन सेंस है ये वैसे ही समझ जाना है मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले एक मैन्युफैक्चरर था एक मैन्युफैक्चरर को क्या परेशानी थी ये समझ लो शॉर्ट में बताना चाहूंगा ठीक है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहा है जब वो फिनिश गुड्स बनाता था तो जीएसटी आने के पहले इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था क्या एक्साइज एक्साइज वो बेचे या ना बेचे आई रिपीट वर्ड वो बेचे या ना, ना बेचे एक्साइज तो लगता ही था प्रोडक्शन किया उसने नाउ दूसरी बात जब वो यहां पे सेल कर रहा है तो सेल पे कौन सा टैक्स लग रहा है सेल पे लगता था टैक्स जिसे वैट कहा जाता था सेल्स टैक्स का नाम इंडियन गवर्नमेंट ने वैट रखा था 2004 के बाद एक बार फिर से सभी ध्यान दें सेल्स टैक्स इक्वल्स टू वैट ठीक है yes, तो यहां पे सेल्स पे लगता था सेल्स टैक्स अब कोई मशीन बेच रहा है कोई अपना गुड्स बेच रहा है मोबाइल बेच रहा है टीवी बेच रहा है तो उसकी सर्विस भी देता है या मशीन बेच रहा है उसका इंस्टॉलेशन सर्विस भी देता है तो जो भी गुड्स बेचा गया अपने ही गुड्स पे वो प्रोवाइड करते थे सर्विस अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या लग रहा है सर्विस टैक्स आपको क्या लग रहा है सर्विस टैक्स ये सर्विस टैक्स आपको लग रहा है ओके रफ डायरी में निकालते जाओ कर, नुकसान तो नहीं होगा मैं हंड्रेड परसेंट होगा फायदा ही होगा नहीं निकालोगे आपकी मर्जी कोई इतना एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे लेकिन आपने बना लिया तो नुकसान नहीं होगा ये बात तो हंड्रेड परसेंट है ठीक है तो इसके ऊपर आपको सर्विस पे लग रहा है सर्विस टैक्स ठीक है पर ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दे रहा है जैसे मैं मैं आपको ट्रेनिंग सर्विस दे रहा हूं तो मैं प्योरली सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मुझे भी सर्विस टैक्स लगता था सर्विस टैक्स का करंट सर्विस पे था ये सर्विस आप गुड्स के साथ दो अलग से दो सोलली सर्विस दो अरे है ना सर्विस टैक्स लग रहा है अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या था एक्साइज एक्साइज ये टैक्स सेंट्रल के हाथ में था सेल्स टैक्स ये टैक्स स्टेट के हाथ में था ये तो कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई ऐसे बहुत सारे सत्रह ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो अलग अलग स्टेट और सेंट्रल के हाथ में थे सर्विस टैक्स सेंट्रल के हाथ में था एंटरटेनमेंट टैक्स था लग्जरी टैक्स था टर्न ओवर टैक्स था ऑक्ट्राए था एल था ऐसे दुनिया भर के टैक्सेस थे कुछ टैक्सेस तो लोकल ऑथॉरिटी के हाथ में थे जैसे ऑक्ट्राए कभी नाम सुना हुआ था बचपन में ऑक्ट्राई लोकल ऑथॉरिटी के हाथ में था लोकल ऑथॉरिटी मतलब म्यूनिसपल कॉरपोरेशन समझ में एल बी लोकल बॉडी टैक्स ये लोकल ऑथॉरिटी के हाथ में था अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है प्रॉब्लम यह आ रहा है कि समझ लो ये एक्साइज का ऑफिसर है ये यहां पे स्टेट का ऑफिसर है ये वापस सर्विस टैक्स का ऑफिसर है वैट का ऑफिसर है उसके बाद में ऑक्ट्रा का ऑफिसर है एलबीटी का ऑफिसर है एंटरटेनमेंट टैक्स का ऑफिसर है सबके डिपार्टमेंट अलग थे अब एक मैन्युफैक्चर को एक एग्जाम्पल एक लेके बता रहा हूं इसको क्या दिक्कत एक्साइज का सेल्फ असेसमेंट करो मुझे बस ये समझाना था इसलिए पूरा बैकग्राउंड बताया समझना एक्साइज का सेल्फ असेसमेंट था खुद असेस करो रिटर्न दो एक्साइज के रिटर्न अब तो कोई डाउट नहीं रिटर्न रिटर्न क्लियर सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट इज इट क्लियर तो हाँ मैं पढ़ाता ही ऐसा हो मुझे जो चीज समझानी है उसका पूरा बैकग्राउंड पहले क्रिएट करता सो so दैट कि आपको एक झटके में समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या था ये समझाया नहीं समझ तो अब यहां पर जहां तक है एक्साइज का रिटर्न दो सेंट्रल वालों को दो एक्साइज का पोर्टल अलग उसका रिटर्न उसका स्टॉक स्टेटमेंट कितना गुड्स बनाया कितना बेचा कितना स्टॉक में है कितना रॉ मटेरियल यूज किया कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया ये समझ में आया क्या क्रेडिट कितना लिया सेट ऑप कितना किया कौन सा टैक्सेबल गुड्स है कौन सा एग्जम्प्टेड गुड्स है ये सब आपके रिटर्न में दो उसके बाद में सेल्स किया सेल्स के पोर्टल अलग सेल्स टैक्स का पोर्टल अलग वो स्टेट के हाथ में था फिर सेल्स में वही स्टॉक का डिटेल्स रिपीट करो वही स्टॉक फिर स्टेट uh, डिपार्टमेंट को दो वही कितना बेचा कितना स्टॉक में कितना ओपनिंग स्टॉक, कितना क्लोजिंग स्टॉक कितना रॉ मटेरियल कितना क्या सब स्टेट डिपार्टमेंट को डेटा दो ये समझ में आया फिर सर्विसेज सर्विस प्रोवाइड की तो उसका पोर्टल अलग नो डाउट एज अ कंसल्टेंट हमारी चांदी चांदी थी एक क्लाइंट एक्सरसाइज के लिए भी आ रहा है एक क्लाइंट सेल्स टैक्स के लिए भी हमारे पास उसको क्या समझ में आता है सुबह से लेके शाम तक हम क्लास करते अरे है ना वही क्लाइंट क्या सर्विस टैक्स के लिए आ रहा है इसकी फीस अलग उसकी फीस अलग उसकी फीस अलग पैसा ही पैसा समझ क्या उसके बाद इनकम टैक्स के लिए तो आएगा जाएगा अभी इनकम तो बाकी है ना तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा था इंडियन इंडस्ट्री को प्रॉब्लम ये जा रही थी वो कह रही थी कि ये क्या लगा के रखा यार एक साइज का ऑफिसर आता है स्क्रूटिन ये करता है ये बता वो बता ये स्टॉक बता वो स्टॉक बता रॉ मटेरियल बता हम का बता डमका बता ओके okay, फिर उसके बाद में रिटर्न को साथ टैली कर दे ये कर दे वो कर दे वो एक साइज ऑफिसर को हैंडल करो चाय पानी दो अरे है ना चाय पानी दो सब रिकॉर्ड मैच करके दो फिर वो एक्साइज का ऑफिसर गया कि फिर आता है सेल्स टैक्स का ऑफिसर वो कहता है सेंट्रल वालों से हमको क्या लेना देना हम तो स्टेट वाले अरे हाया ना हम तो स्टेट वाले हमारे रिकॉर्ड्स अलग हमारा फॉर्म अलग अब इमेजिन करो एक सिंबॉलिक पैराल एग्जाम्पल लेता हूं प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो दो सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं इमेजिनेशन बहुत बड़ी पावर है दो सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं एक कि आप यहां आ रहे प्रेस्टीज पॉइंट पहले दिन आते हो समझ में नहीं आता कहां जा रहे पर ये एकेडमी में ये क्लास लगाया ये ये एकेडमी में क्लास लगाया उधर ये लगाया है। चार एकेडमी के अलग अलग फॉर्म्स सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो खुद का फॉर्म खुद कंप्लीट कर रहे हो अरे ये ना सबका अपना अलग अलग मैकेनिज्म कोई मैनुअल करवाता है कोई ऑनलाइन करवाता है ओके okay, आप फॉर्म कंप्लीट कर रहे हो इमेजिन करो वो फॉर्म पे फोटो भी चिपका रहे हो यहाँ फोटो निकालो वहां फोटो निकालो रिसिप्ट इसकी रिसिप्ट अलग उसकी रिसिप्ट अलग उसकी रिसिप्ट अलग फिर वो काश में एंट्री रिसिप्ट निकालो कहाँ गई कहाँ गई बताओ रिसिप्ट किसी फटी फूटी रिसिप्ट अरे आया ना ओके okay, वो भी ऐसे निकाल के बताते देख ले देख ले लेके okay, फिर इसका अलग फिर कोई घूम जाती है कुछ क्या हो जाता है कितनी परेशानी है अरे हम खास करेगी तुम्हारी रिसिप्ट संभाले अरे आया ना हम क्लास करेगी रिसिप्ट ये क्या लगा के रखा है एक तो दस मिनट का टाइम मिलता है गड़बड़ में आते हैं खाना खाने टाइम नहीं मिलता है ऊपर से बाहर रोक देते हो बाहर रोकने के बाद कह हो कि रिसिप्ट देता हो ओके लाइन में लगाते हो है ना ओके परेशान करते रहते हो दिन भर दिन भर रोज और ये क्या रोज रोज रिसिप्ट चेक करना है अरे हम पे ट्रस्ट रखो सेल्फ असेसमेंट किया है अरे ना है क्या है अब ये एक ऐसी सिचुएशन हर क्लास में तुमको ये परेशानी हो रही है <laughs> तो हर क्लास में ये परेशानी हो रही है और एक ऐसी आइडियल सिचुएशन हो कि पूरे सारे क्लासेस वालों ने डिसाइड किया प्रेस्टीज पॉइंट पे कि एक काम करते हैं क्लास कोई भी हो एकेडमी कोई भी हो एक ही फॉर्म रखेंगे एक ही फॉर्म कि बच्चे ने आया और एक ही फॉर्म आएगा ये सब्जेक्ट ये एकेडमी में ये फैकल्टी उसी फॉर्म में ये सब्जेक्ट ये एकेडमी में ये फैकल्टी उसी फॉर्म में ये वो अपना सिलेक्शन कर सके अरे आया ना बस एक ही फॉर्म एक ही बिल्डिंग एक ही रिसेप्ट एक ही स्टूडेंट <laughs> अरे समझा नहीं समझा तो कितना अच्छा हो जाएगा कितना अच्छा हो जाएगा कि और एक ही बार चेकिंग बस एंट्री में जस्ट बिल्डिंग में एंट्री करते ही चेकिंग ना इधर ना उधर ये समझाया नहीं समझाया भाई साहब ये प्रॉब्लम आपको जाते हैं वैसे इंडस्ट्री को भी जा रहा था इसके रिटर्न अलग इसके रिटर्न अलग इसके रिटर्न अलग सबके ऑफिसर अलग सबके चाय पानी अलग समझ में सबके डॉक्यूमेंटेशन अलग अरे ये क्या लगा के रखा है और कि क्यों नहीं सेंट्रल और स्टेट साथ में आ जाते हैं यार और एक ही टैक्स लगाते हैं वन नेशन वन टैक्स वन क्यों नहीं सारी अकेडमी एक साथ आ जाती है और एक ही फॉर्म एक ही रिसिप्ट अरे सर तो अब ऐसे केस में हाँ गवर्नमेंट ने सोचा और ये तो जो मोदी जी का प्रोजेक्ट था मेक इन इंडिया बाहर वालों को इंडिया में बुलाना था और बाहर की इंडस्ट्री बहुत क्लियर मैसेज दे रही थी कि नहीं इंडिया में हमें ये दिक्कत है कि हर स्टेट लॉ के सेल्स टैक्स अलग है यानी सेल्स टैक्स में इतना प्रॉब्लम था 28 स्टेट्स है 28 स्टेट के अलग अलग सेल्स टैक्स लॉज है महाराष्ट्र का अलग राजस्थान का अलग और एक बड़ी इंडस्ट्री क्या सोच रही है बड़ी इंडस्ट्री ये सोच रही है कि मैं अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे इंडिया में लेके आऊ और अलग अलग स्टेट में फैक्ट्री बनाऊ तो मुझे ट्वेंटी समझ लो मैं ट्वेंटी एट स्टेट्स में मैं अपनी फैक्ट्रीज डाल रहा हूं तो ट्वेंटी एट स्टेट्स के टैक्स लॉ कंप्लायंस करना कोई जोक नहीं है सबके लॉज अलग है समझ में आ रहा है क्या आपको आपको चलो ठीक है आप तो ये इराके हो 2017 के पहले मैं बता दूं इतने प्रॉब्लम थे महाराष्ट्र और राजस्थान का सेंसलेक्स लॉ मैच ही नहीं कर देता उनका अलग हमारा अलग क्योंकि स्टेट के हाथ में था ये समझ में आया क्या तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए आज आप फेस करते हो इसका इंक्रिप्शन अलग उसका इंक्रिप्शन अलग इसका अलग अरे और नो क्यों ना एक ही इंक्रिप्शन रहे एक ही सॉफ्टवेयर रहे कितना अच्छा हो तो ऐसे केस में अब नहीं, नहीं ये तुम्हारे सिंबॉलिक एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या थे समझ में आया तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ये बात 1995 से डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके दिमाग में थी कि नहीं यार इतने 28 स्टेट के स्टेट लॉज सेंट्रल लॉज एक्साइज लॉ और सारे है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ही ट्रांसफरेबल टैक्सेस बिजनेस टैक्सेस क्यों ना ये सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया जाए सारे स्टेट वालों को सारे सेंट्रल वालों को साथ में लाया जाए और क्यों न एक ही टैक्स बनाया जाए जिसका नाम हो जीएसटी इंडिया के सारे गुड्स पे एक ही टैक्स इंडिया के सारे सर्विसेस पे एक ही टैक्स और जिसका नाम होगा गुड्स गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स है समझ में आया क्या Good sand, services, tax, और मैं कह रहा सैन सर्विस एक्ट तो चौथे दिन पांचवे दिन चालू करूंगा बैकग्राउंड बहुत जरूरी है कि आया क्यों समझ में आया क्या तो यहां पे जहां तक देखा जाए ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए पहली काउंसिल मीटिंग बनाई गई एक कमेटी बनाई गई थी जो यूपीए गवर्नमेंट ने बनाई थी 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर हुए और उस कमेटी में सारे स्टेट्स को बुलाया गया कि देखो अलग अलग सेल्स स्टेट के सेल्स टैक्स लॉ अलग अलग है इंडस्ट्री को परेशानी है फॉरेन इंडस्ट्री आ नहीं रही है वो डर रही है इंडियन लॉस के वजह से क्यों ना हम सारे स्टेट्स एक साथ आ जाए जो भी सेंट्रल टैक्सेस है वो भी मर्ज कर दे और मिलकर एक लॉ बनाए जिसका नाम जीएसटी रखे जीएसटी रखे क्योंकि एक और बहुत बड़ा चैलेंज ये हो रहा था टैक्स रेट वॉर चल रहा था स्टेट में ही ये प्रॉब्लम को समझो टैक्स रेट वॉर क्या चल रहा था आपको बताओ तो स्टेट अपने आप में ही झगड़ रहे थे अब अपने आप में झगड़ रहे थे मतलब इंडस्ट्री जो स्टेट में सुन्न ध्यान से जो स्टेट में इंडस्ट्री ज्यादा है उस स्टेट का डेवलपमेंट होता है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र गुजरात डेवलपमेंट कैसे होता है इंडस्ट्री ज्यादा होगी इंडस्ट्री ज्यादा होगी तो यहां का सेल्स टैक्स का रेवेन्यू ज्यादा रहेगा लोग ज्यादा आएंगे ज्यादा आएंगे तो लोग ज्यादा परचेस करेंगे इमेजिन करो तो उस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होती है वो स्टेट का डेवलपमेंट तो कोई भी स्टेट अपनी स्टेट की डेवलपमेंट करने के लिए अपने स्टेट की गवर्नमेंट को बचाने के लिए कोशिश करता है कि उसके स्टेट में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आए अब जैसे टाटा को यहां पे एक प्रोजेक्ट डालना है टाटा नैनो का ओके या टेस्ला को एक प्रोजेक्ट डालना है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट डालना है टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो महाराष्ट्र में आए उधर दिल्ली गवर्नमेंट ट्राई कर रही है उधर गुजरात गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वो गुजरात में आए वो प्रोजेक्ट क्योंकि वो स्टेट की डेवलपमेंट होगी तो ऐसे इसमें स्टेट झगड़ने लग गए कैसे अच्छा पुराने इसमें आप गुजरात में जा रहे हो टैक्स रेट पे वॉर हो रहा है गुजरात में जा रहे हो गुजरात वाले आपको क्या सेल्स टैक्स रेट ऑफर कर रहे हैं हाँ वहां पर स्पेशल ऑफरिंग चलती थी स्टेट वाला था गुजरात गवर्नमेंट कह रहे है कि अगर आप प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लाओगे तो हम आपको पाँच साल के लिए सेल्स टैक्स में फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट देंगे अरे है ना हाँ बड़ी इंडस्ट्री आ रही है तो इनके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन कि इंडस्ट्री फॉर डेवलपमेंट एंड पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट पर कुछ भी चलता है समझ में आ रहा है ओके फॉर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट वगैरह, गवर्नमेंट ने स्पेशली टेस्ट लागू फिफ्टी परसेंट का दे दिया। और जो सेल्स टैक्स का रेट बारह परसेंट था वो कितना 6 बनाओ कार बेचो 6 में। अच्छा गुजरात छ कर रहा है आ जाओ पहले पांच साल तक तीन परसेंट ठीक है अच्छा महाराष्ट्र ने तीन कर दिया उधर दिल्ली आ जाओ फ्री ऐसा होता था ऐसा टैक्स रेट वॉर होता था तो इससे डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने क्या सोचा कि अरे यार इसमें तो स्टेट अपना ही रेवेन्यू सारे स्टेट है इंडिया के और अपना ही रेवेन्यू हेम्पर कर रही है यह गलत है एक ही रेट होना चाहिए वो फिर गुजरात में जाए या महाराष्ट्र में आए एक जीएसटी का कॉमन रेट होना चाहिए पूरे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का रेट इसके बारे में भी जीएसटी में बहुत सोचा गया और दोस्तों यहां पे सारे स्टेट्स को बुलाया गया कमेटी बैठाई गई और उस कमेटी में डिसाइड किया गया कि क्यों ना हम सारे स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दे और एक ही लॉ लाए जिसका नाम हो जीएसटी तो एक कमेटी जो बाद में कन्वर्ट हुई काउंसिल में जिसको कहा जाता है जीएसटी काउंसिल समझ में आया जिसको जीएसटी परिषद यानी क्या काउंसिल, ठीक है तो काउंसिल में तो अब इसके आगे हम हमारे क्लास में काउंसिल क्रिएट करेंगे मैं चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल और आप अपने स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर अरे है ना अपने आप को फाइनेंस मिनिस्टर समझो इमेजिन करो सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर मेरे सामने बैठे हैं और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर जो इस काउंसिल का क्या रहोगा चेयरपर्सन चेयरपर्सन रहोग अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है स्टेट के तो नहीं पता होगे, सेंट्रल के तो पता है कौन ठीक है ये तो पता है ना आपके और जो ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं, आप अपने आप को स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर समझना ठीक है और बी लाइक अ फाइनेंस मिनिस्टर यस सर नो हाँ तो अब आज हमारा कमिटी का काउंसिल का पहला मीटिंग है वेलकम टू ऑल ऑफ यू तो हमारा पहला मीटिंग है जीएसटी काउंसिल का सो so दोस्तों मैं प्रपोज कर रहा हूं कि यहां पे सारे स्टेट्स के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सेंट्रल के इनडायरेक्ट टैक्सेस हम मर्ज कर दे और जीएसटी किस में लाए सिंगल मॉडल में या ड्यूअल मॉडल में यस और नो ड्यूअल मॉडल में लाए चलो सब रेडी हो रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हां मच कर देते हैं सेल्स टैक्स है लग्जरी टैक्स है एंटरटेनमेंट टैक्स है <laughs> यहाँ पे नालायक हो कुछ नहीं शुरू हो गए आने वाले प्रॉब्लम्स तो समझ लो ओके यहाँ पे आने वाले तो समझ लो तो चलिए थोड़ा जीएसटी का बैकग्राउंड देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्या जीएसटी हैं जीएसटी मैं एज अ चेयरपर्सन जीएसटी के कुछ फायदे सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को समझाना चाहता हूँ आप जरूर इसके ऊपर सीरियसली सोचे और इमेजिन करना हमारी मीटिंग जो चालू है दो के पहले अरे है ना दो के पहले तो तब मीटिंग चालू है और आप जरूर सोचें पर हाँ हम जीएसटी के फायदे मैं आपको सबको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा जीएसटी अब देखिए यहां पर जीएसटी इज अ सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया दैट कंसोलिडेट वेरियस टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स वैट सीएसटी लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स एंड एंट्री टैक्स एक्सेट्रा ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया इसे सेवनटीन टैक्सेस थे अलग अलग कुछ सेंट्रल के हाथ में थे कोई स्टेट के हाथ में था कुछ लोकल ऑथोरिटी के हाथ में था ऑकट्रा वगैरह जीएसटी एंड वैट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली

प्लीज एक्सप्लेन अरे हा ना हाउ इफेक्टिव एंड हाउ ट्रांसपेरेंट प्लीज एक्सप्लेन अब वो फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर अपने स्टेट का ओके okay, बताओ कैसे इफेक्टिव कैसे ट्रांसपेरेंट भाई हम हमारा टैक्स मर्ज करने जा रहे हैं कैसे होगा बता दो आगे आगे देखते हैं ओके okay, तो मैं स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करूंगा ये सिर्फ अभी मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ धीरे धीरे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट वे टू जनरेट क्या रेवेन्यू नेक्स्ट वाइल मेनी कंट्रीज हैज यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम फेडरल कंट्रीज लाइक ब्राजील कनाडा यूज ड्यूअल जीएसटी सिस्टम सभी फाइनेंस मिनिस्टर को मैं यहाँ बता दूँ जो जो कंट्रीज ने जीएसटी इंप्लीमेंट किए वो दो मॉडल में किए, एक था नेशनल मॉडल और एक था ड्यूअल मॉडल और हमारे कंट्री में मोस्ट सुटेबल मॉडल रहेगा ड्यूल मॉडल क्योंकि इंडिया में क्या है फेडरल स्ट्रक्चर है ओके okay, सर ये एग्जाम के हिसाब से लर्न करना है क्या नहीं ये इंट्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है उनको हाँ पर ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है ओके okay, तो अब यहाँ पे ड्यूल मॉडल में चलता है इंडिया अडोप्टेड ड्यूएल जीएसटी मॉडल अंडरलाइन इंडिया में कौन सा मॉडल यूज किया गया डुएल जीएसटी मॉडल बिकॉज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर द आइडिया ऑफ जीएसटी इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड इन क्या टू एंड गेन मोमेंटम इन टू व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन हंड्रेड एंड सेकेंड अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड फोर्टीन वॉज टेबल्ड इन द क्या पार्लियामेंट yes. थोड़ा समझ लो अमेंडमेंट बिल था हमारे संविधान का संशोधन मतलब अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल प्रपोजल क्या तो जीएसटी लाने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रपोजल जो रखा गया 2014 में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट की जाए और जीएसटी लाने की प्रोविजन की जाए नाउ लोकसभा पास द बिल इन 2015 राज्यसभा इन 2016 आफ्टर रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट इट बिकम क्या कॉन्स्टिट्यूशन मैं प्रपोजल हम 2014 में रखा गया और सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे है और मुझे ये जो है बिल को पास करवाना है हमारे संविधान को अमेंट करना है तो इसमें मुझे यहां पे मोर देन 50 परसेंट वोटिंग चाहिए ऑफ द क्या स्टेट्स कौन कौन रेडी है जीएसटी लाने के लिए हा सभी रेडी है मोर देन 50 परसेंट वोटिंग चाहिए जीएसटी लाने के लिए और यहां पे 50 परसेंट से ज्यादा वोटिंग लेकर यहां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया जो अमेंडमेंट थी हंड्रेड एंड फर्स्ट सर यह समझा दो ये हंड्रेड एंड फर्स्ट क्या है और ये वन क्या है अरे है ना 122 ये प्रपोजल था अरे है ना पर सारे मतलब हमारा एक थोड़ा ये कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा तो लोकसभा एज वेल well एज राज्यसभा दोनों की वोटिंग चाहिए सारे प्रपोजल पास नहीं होते ठीक है थीके? 122 ट्वेंटी सेकेंड नंबर का प्रपोजल था जो पास होके हंड्रेड एंड वन अमेंडमेंट हुई कितने प्रपोजल फेल हो गए बताओ वन ट्वेंटी टू माइनस वन जीरो वन ट्वेंटी वन प्रपोजल फेल हुए अरे है ना तो अमेंडमेंट हुई हंड्रेड एंड फर्स्ट प्रपोजल था वन ट्वेंटी टू ये समझा क्या ओके okay. तो इस तरह से जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ सेंट्रल और स्टेट ने अप अपने टैक्सेस जीएसटी में मर्च किए जीएसटी में मर्च किए अब ये लर्न करना पड़ेगा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रल के कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए जीएसटी में यहां पे देखो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज सर ये क्या था वो मत पढ़ो पीछे लर्न कर लो अब पुराना लॉ पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है इज इट क्लियर तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज एक्साइज ड्यूटी लिवड ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन सर शॉर्ट में तीनों को एक्साइज कहे हाँ पर आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स एक मिनट बेसिक ड्यूटी ऑफ कस्टम का है या एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है समझ में आया क्या ये कौन सी ड्यूटी है एडिशनल कस्टम ड्यूटी ठीक है सर्विस टैक्स बताओ सर्विस टैक्स किसके हाथ में था सेंट्रल के हाथ में था और दूसरा सर चार्जेस एनसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने Okay, ये अपने सारे टैक्सेस मर्च किए ठीक है।, है मर्च किए का मतलब क्या मतलब अब ये अलग अलग टैक्स नहीं लगाया जाएगा ओके okay, हम एक ही टैक्स लगाएंगे जिसमें ये सारे टैक्सेस ऐसा समझेगे सब्स्यू हो गए हो गए का मतलब मिल गए मिलन हो गया रह गया तो यहां पे ये था सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स में कौन कौन से स्टेट वैट सेल्स टैक्स सीएसटी क्या था सी एस टी सेंट्रल सेल्स टैक्स परचेस टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स ये सिर्फ हाईलाइट करके रखना अदर देन दोविड बाय लोकल बॉडीज ये हाईलाइट करके रखना एंटरटेनमेंट टैक्स अच्छा कोई आपका कॉमन सेंस से बता सकते हो एंटरटेनमेंट टैक्स किस पे लगता है एंटरटेनमेंट इवेंट्स पे जैसा सिनेमा कोई एंटरटेनमेंट इवेंट है समझ में आ रहा है कोई म्यूजिक प्रोग्राम है ठीक है तो एंटरटेनमेंट टैक्स लग्जरी टैक्स होटल इंडस्ट्री रिसोर्ट अरे है ना लग्जरी टैक्स एंट्री टैक्स एंट्री टैक्स मतलब लिखना हो तो लिख दो ऑक्ट्रा एंट्री टैक्स को क्या कहा जाता था ऑक्ट्रा है टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैमलिंग लॉटरी बेटिंग गैमलिंग पे पहले टैक्सेस लगते थे और एक बहुत अच्छा केस स्टडी अभी का बताता हूं गेमिंग पर अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो गेमिंग पे अभी जीएसटी का क्या इंप्लीकेशन आ रहा है आगे देखेंगे बहुत मजा आएगा ठीक है और उसके बाद में एंड इतने सारे टैक्सेस लर्न करने पड़ेंगे क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से टैक्सेस हुए सेंट्रल के और स्टेट के वो के आया क्या बेटा जीएसटी जीएसटी यहां पे अब थोड़ा उसी डायग्राम में आप दो इसमें ये कर देना और जीएसटी में अगर वो इंट्रा स्टेट होगा एक मिनट पहले तो यहां जीएसटी लिख दो ड्यूएल मॉडल किस में आया बेटा ड्यूएल मॉडल में आया प्लीज 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 जीएसटी ड्यूएल मॉडल में आया और अगर आपका सप्लाई क्या होगा इंट्रा स्टेट होगा अगर आपका सप्लाई क्या होगा इंट्रा स्टेट होगा और आपका सप्लाई क्या इंटरेस्ट रेट होगा अगर सप्लाई इंटरेस्ट रेट होगा तो बताओ आपके ट्रांजेक्शन पे कौन से टैक्स दो टैक्स लगेगा सीजीएसटी लगेगा 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट समझ रहे हो ना आप और दूसरा क्या लगेगा एसजीएसटी या क्या यूटीजीएसटी वो भी कितना 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट ठीक है और अगर आपका ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट होगा तो क्या लगेगा आईजीएसटी और वो कितना हंड्रेड परसेंट आईजीएसटी मतलब इंटरस्टेट इंटरस्टेट या इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ओके इंटीग्रेटेड अब कैसा मैच्योर्ड हो जाओ इतनी नालायकी मत करना सर नीचे तो जगह नहीं है तो ऐसा ले ले भाई ऑनलाइन जो स्टूडेंट है मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा मैचोर्ड हो जाओ ठीक है तो यहां पे ओके हाँ, टैक्सेस जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हाँ कुछ स्टूडेंट्स को सब्स्यूम से ही प्रॉब्लम है ओके सब्स्यूम मतलब कि भाई सब मर्ज होके अब एक ही टैक्स लगेगा अब सब्स्यूम नहीं हुए मतलब कि इवन दो जीएसटी लग रहा है ये भी लगेगा क्योंकि ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है तो कौन कौन से टैक्सेस इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है प्रॉपर्टी टैक्स एंड क्या स्टैंप ड्यूटी मतलब आज स्टैंप ड्यूटी जो लग रही है वो जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ वो इनडायरेक्ट टैक्स आज भी है अरे नो सर दूसरा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कभी देखना या चांस मिले तो अभी घर पे जाके देखना इलेक्ट्रिक बिल पे जीएसटी नहीं होता है टेलीफोन बिल पे होगा इलेक्ट्रिक बिल पे जीएसटी नहीं है उसके ऊपर कौन सी ड्यूटी लगती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हां एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल ये डिस्कशन में आगे लूंगा अल्कोहल पे आज भी एक्साइज है बेसिक कस्टम ड्यूटी मुझे बताओ कौन सी कस्टम ड्यूटी मर्ज हुई जीएसटी एडिशनल कस्टम ड्यूटी मर्ज बेसिक कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ है और एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल स्पेशली इसके ऊपर आगे हमारा एक घंटे का डिस्कशन रहेगा डोंट वरी फॉर दैट ठीक है ओके okay, तो लर्न करो एक बार मेरे साथ कौन कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए प्रॉपर्टी टैक्स ऑन स्टैंप ड्यूटी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्साइज ऑन अल्कोहल बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल और डीजल ये जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ ठीक है चलिए अब यहां पे ड्यूएल मॉडल ऑफ जीएसटी लिखो वहां पे एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्यूएल मॉडल ऑफ जीएसटी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ठीक है देखो इतने टोटल पांच पॉइंट्स आपको लिखना है अगर एग्जाम में पूछा गया पहला इंडिया हैज़ अडॉप्टेड क्या बेटा जीएल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल क्यों क्यों ड्यूएल मॉडल क्यों लिया फेडरल स्ट्रक्चर इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री सेकंड सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी मतलब बताओ आज हर सेक्शन पे दोनों गवर्नमेंट टैक्स ले रही है नो yes ठीक no? yes. है सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेक प्लेस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी विद इन अ स्टेट मतलब क्या बेटा लिख दो इंट्रा इंट्रास्टेड विद इन अ स्टेट मतलब इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस विल सब्जेक्ट टू क्या बेटा आई जीएसटी ओके विल सब्जेक्ट टू आईजीएसटी एंड इंट्रा स्टेट सप्लाईज विल सब्जेक्ट टू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आईजीएसटी विल अप्रोक्सीमेटली इज द सम ऑफ टोटल ऑफ क्या सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्योंकि आईजीएसटी हंड्रेड परसेंट से लगता है ये समझ में आया क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड सप्लाई अंडर सेक्शन सेवन ये सिर्फ हाईलाइट करके रखो इस पे आ, आने वाला स्पेशल डिस्कशन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड जीएसटी इंप्लीकेशन आई रिपीट जीएसटी इंप्लीकेशन एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इस पर हम बात करेंगे ठीक है इतने पांच पॉइंट्स आपके आने चाहिए आज का आपका इतना ही होमवर्क कि ये शॉर्ट नोट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है ये लिख कर देख लेना पांच पॉइंट ये समझ में आया क्या ओके डुएल मॉडल ऑफ जीएसटी चलिए तो आज जीएसटी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एग्जाम्पल वही ले कौन सा मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर होलसेलर टू रिटेलर रिटेलर टू कस्टमर तो आज जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे चलेगा ये सारे ट्रांजेक्शन अज्यूम करते हैं इंटरास्ट है क्या अज्यूम करते हैं इंट्रा स्टेट है ओके इंट्रा स्टेट है, okay, है। हा एक सवाल आया ऑनलाइन जो मैं लेना चाहूंगा और वो है कि सर सरचार्जेस और सेस तो इनकम टैक्स में भी है और क्या इधर भी थे हा इनडायरेक्ट टैक्स में भी सरचार्ज थे 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 और सेस भी थे और सर फिर डबल डबल नहीं हो गए क्या भाई साहब अब आखिरी बार कहता हूं इनकम टैक्स अलग जीएसटी अलग।, अलग इसके बाद आपका कोई भी सवाल मैं एंटरटेन नहीं, नहीं करू पिछले पांच घंटे से कल का लेक्चर मिला के यही समझा रहा हूं यही समझा रहा हो कि इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग नहीं मन मान रहा है तो मना लो ठीक है हा अब सर ये बताओ इसमें टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है तो टैक्सेबल सप्लाई अभी समझने के लिए मैं इतना बोल दू कि जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको एग्जमिशन रहता है कुछ गुड्स ऐसे हैं जो आज भी जीएसटी में नहीं है एग्जाम्पल अल्कोहल जिसके ऊपर एक्साइज लगती है जीएसटी में नहीं है टैक्सेबल मतलब जिसके ऊपर जीएसटी लगता है इज इट क्लियर ओके टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विसेस अब यहां पे आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सेट ऑफ कॉन्सेप्ट को बाजू में रखे और आईटीसी को बाजू में रखे दो मिनट फिर मैं आईटीसी मिक्स करूंगा इसके साथ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट वो मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा कि आईटीसी का जन्म ही कैसे हुआ कैसे सोचा गया आईटीसी अरे यस और नो वो मैं बाद में देखेंगे अब और अभी हम देखें तो आज मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है ओके okay, मुझे वो पहले वाले पेज पे वैल्यू एडिशन बताना सिर्फ वो सेम एग्जांपल लेता हूँ वो पहले वाला पेज पे था ना दो पेज नंबर टू पे था ना पहला बिल कितने का था मैन्युफैक्चरर वन लैख का था ना तो यहाँ पे अगर वैल्यू वन लैख है तो ये बताओ और ये इंटरास्ट है ये क्या है इंटरास्ट है, इंट्रास्टेट है। ठीक है अब देखो ये इंट्रा स्टेट है तो आज क्या सेल्स टैक्स लगेगा या सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगा अज्यूम रेट जीएसटी रेट ओके अज्यूम करो और जीएसटी रेट 18 परसेंट एज्यूम करो तो अगर आपका जीएसटी रेट 18 परसेंट है तो यहां पे कितना सी जीएसटी नाइन परसेंट और एस जीएसटी नाइन परसेंट और बेटा आप पुराने इस पे क्वेश्चन मत पूछो ना मेरी रिक्वेस्ट है ओके okay, वो पुराना क्या था सर चार्ज से खत्म करो क्योंकि आज भी अब इनडायरेक्ट टैक्स में सिर्फ क्या लगता है जीएसटी जीएसटी लगता है इतना मान के चलो अब ठीक है आज तो कोई सर चार्ज नहीं लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में चलो नाइन परसेंट कितना आ रहा है आपका नाइन थाउजेंड एंड नाइन थाउजेंड यहां से हमने शुरुआत की ठीक है अभी मैं क्रेडिट कंसेप्ट नहीं ले रहा हूं सिर्फ एक मैकेनिज्म बता रहा हूं कि जीएसटी कैसे लगा तो आज एक मैन्युफैक्चरर सेल करेगा पहले मैन्युफैक्चरर को दो टैक्स पे करने पड़ते थे कौन से दो टैक्स एक्साइज एंड सेल्स टैक्स आज दो नहीं एक ही टैक्स है जीएसटी जो स्प्लिट हो रहा है जीएसटी जो स्प्लिट हो रहा है 50 सी, 50 है, है टैक्स एक ही पर सिर्फ उसको स्प्लिट किया है टीटीएमएम में अरे तो एक ही टैक्स है तो उसको आज दो डिपार्टमेंट के कंप्लायंस करना है या एक ही डिपार्टमेंट का एक ही पहले एक्साइज के कंप्लायंस अलग सेल्स टैक्स के कंप्लायंस अलग आज ऑनली जीएसटी समझ में आया क्या ऑनली जीएसटी ओके अब दूसरा समझ लो मैं वैल्यू वैल्यू एडिशन वो वो नहीं लूंगा क्योंकि अगर एडिशन लिया तो फिर जीएसटी में क्रेडिट कॉन्सेप्ट भी आता है सिर्फ मैकेनिज्म समझ लो ठीक है समझ लो डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेच रहा है होलसेलर को अब ये भी इंटरास्टेट है और इंटरास्टरेट डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है ठीक है तो यहां वैल्यू कितनी आएगी तो समझ लो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड लेकर चलता हूँ नहीं नहीं मैं वो वैल्यू नहीं लेता हूँ क्योंकि उसमें फिर जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है नहीं समझा जीएसटी में टैक्स ऑन टैक्स नहीं है जबकि वो वाले एग्जाम्पल में टैक्स ऑन टैक्स था इसलिए मैच नहीं होगा वो अरे समझा क्या इसलिए मैं यहाँ नया वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ ओके वैल्यू समझ लो यहां कितना एक लाख पचास हजार तो इसके ऊपर क्या लगेगा सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट ऑनलाइन स्टूडेंट समझ लो मैं वो पेज नंबर टू वाला एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं यहां पे क्योंकि वहां इम्पैक्ट था कैशकेडिंग इफेक्ट का और मैं अभी जीएसटी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ कैशकेडिंग इफेक्ट नहीं होते वो मुझे आगे समझाना है सिर्फ मुझे अभी इतना समझाना है कि आज मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या होलसेलर हो या रिटेलर हो एक ही टैक्स लगता है कौन सा जीएसटी समझ में आया क्या तो अब यहां पे कितना रहा एक लाख पचास हजार का हाँ कोई एक बताओ थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सर यहां यूटी जीएसटी नहीं लगेगा क्या एक सवाल आ सकता है यूटीजीएसटी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये समझ लो महाराष्ट्र में ट्रांजेक्शन है तो महाराष्ट्र में एस और यही ट्रांजेक्शन चंडीगढ़ में होता GST तो एज देखो कोई एक लगता है आ एज जीएसटी दोनों नहीं लगते अगर कोई ये सोच रहा होगा कि सी जीएसटी एस जी टी एंड यूटी जीएसटी और ये तीनों भी लगा दो समझ में आया क्या अगर आप स्टेट में हो तो एस जीएसटी अगर आप यूटी में हो UTGST. ये समझ में आया क्या तीन मत लगा देना नालाय को ओके okay. okay, तो ऐसे केस में यहां पे सी और एस उसके बा... अच्छा मुझे बताओ जीएसटी आने के पहले अगर डिस्ट्रीब्यूटर गुड्स बेच रहा है तो उसके ऊपर कितने टैक्सेस हो सकते थे डिस्ट्रीब्यूटर को एक्साइज भी देनी पड़ती एक्साइज प्रोडक्शन पे थी अरे आया ना मैन्यूफेक्चर एक्साइज दे रहा और सेल्स टैक्स भी दे रहा पर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर जो इवेंट को टच करेगा वही करंट लगेगा डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इवेंट को टच कर रहा है या सेल को टच कर वो सिर्फ सेल्स टैक्स दे रहा था अरे है ना वो सिर्फ क्या सेल्स टैक्स दे रहा था तो आज जो है उसके ऊपर भी क्या लगाया गया जीएसटी ये समझ गया ओके okay, आगे होलसेलर दो लाख में सेल कर रहा है समझ लो यहां होलसेलर वैल्यू और वैल्यू कितनी टू लैक्स वैल्यू कितनी टू लैक्स तो इसके ऊपर सी जीएसटी एट द रेट नाइन परसेंट और एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट कितना आ रहा है आपका ओके okay, तो एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड जो भी टोटल आई वो आप कर लो और लास्ट रिटेलर बेचता है किसको कस्टमर को वैल्यू लेते हैं यहां पे दो लाख पचास हजार सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट एस जीएसटी एट द रेट नाइन परसेंट कितना हुआ ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड ये सब मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि सारे ट्रांजेक्शन इंट्रा है इंटर का फ्लेवर हम बाद में ऐड करेंगे समझ में आया क्या ये सारे ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन स्टेट है इंटरास्ट स्टेट है हाँ एक ऑनलाइन क्वेश्चन है कि सर आईजीएसटी और यूटीजीएसटी में डिफरेंस क्या है बाद में ओके वैसे तो सिंपल है ठीक है आपको एक बात ही नहीं समझ में आ रही कि आप यूनियन टेरिटरी में हो तो एस जी एस टी के जगह क्या लगता है यूटी जीएसटी ओके तभी भी आपको डाउट होगा तो मेरा एक डायग्राम रेडी है जो आगे कवर करूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ठीक है नाउ इंटरेस्टेड यहाँ पे सर इस एग्जाम्पल से हम समझे क्या ये बताओ ना इससे आप समझाना क्या चाहते हो मैं ये कहता हूं कि यस yes, करेक्ट अब पहले क्या था मैन्यूफेक्चर सेक्टर को अलग देखा जाता था एक्साइज एंड सेल्स टैक्स ये मार्केट को अलग देखा जाता था ये डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट को अलग देखा जाता था सर्विस मार्केट को अलग देखा था, क्योंकि टैक्सेस अलग अलग थे पर आज ऐसा नहीं है आज वो मैन्युफैक्चरर हो ट्रेडर हो रिटेलर हो, होलसेलर हो सर्विस प्रोवाइडर हो वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट नहीं समझा अब वो एक ही मार्केट देखा जाएगा अब वो अलग अलग मार्केट नहीं देगा सब पे एक ही टैक्स है और वो है जीएसटी आई होप यू अंडरस्टूड बस मुझे इससे समझाना था कि वन मार्केट कहां से आया? ये है वन मार्केट मार्केट कि सारे को अब जीएसटी के कॉन्टेक्ट में एक ही देखा जाएगा क्योंकि सब पे एक ही टैक्स है क्या जीएसटी ये मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक का चेन हो या सर्विस सेक्टर हो समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी आपको सर्विस दे रहा है ये समझ में आया क्या तो वी स्मार्ट एकेडमी सर्विस दे रहा है तो सर्विस पे कोई सर्विस टैक्स है या जीएसटी है जीएसटी है ओके तो यहाँ पे भी क्या लगेगा बेटा समझ लो वैल्यू है और आपकी फीस यहाँ पे एक लाख रुपए एग्जांपल है ओके तो क्या लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यानी कितना नाइन थाउजेंड सर्विस हो एक ही मार्केट जीएसटी अच्छा फैकल्टीज वी स्मार्ट को सर्विसेज दे रही जैसे ओके यहां पे जो जैसे यहां आपको जय सर पढ़ा रहे रवि सर पढ़ा रहे ओके तो वो बिलिंग आपको नहीं आपको बिलिंग कौन दे रहा है वी स्मार्ट और वो बिलिंग वी स्मार्ट को दे रहे हैं समझ में आए क्या तो वो बिलिंग जब वी स्मार्ट को दे रहे तो वो भी सर्विस दे रहे किस को दे रहे हैं वी स्मार्ट को आई होप यू अंडरस्टूड तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा जीएसटी हाँ नो डाउट सेट ऑफ मिल जाएगा किसी के दिमाग में अगर क्वेश्चन होगा सेट ऑफ का तो वो आईटीसी मुझे पढ़ाना है वो मैं तो वहां से पढ़ाऊंगा कि वो जन्मा कैसे यस और नो ओके तो वो भी सर्विस है आउटपुट भी सर्विस है ओके okay, और सेट ऑफ मिलते जाएंगे ये केस में भी सेट ऑफ मिलते जाएंगे अगर किसी के दिमाग में सेट ऑफ का क्वेश्चन होगा तो इज इट क्लियर ओके तो चलिए मुझे बस ये दो डायग्राम से एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाना है और वो पढ़ाना है कि आज मैन्युफैक्चरर ट्रेडर होलसेलर रिटेलर सर्विस प्रोवाइडर कोई भी बिजनेस हो एक ही टैक्स है और वह है जीएसटी आई होप यू अंडरस्टूड चलो एक प्रॉब्लम दिया है पी टू प्रॉब्लम सॉल्व करना है चलो नोटबुक निकालो बेटा अभी यूट्यूब पे तो ऐप पे क्यों गड़बड़ कर रहे हो आप कि आप में अपलोड करो यूट्यूब पे है ना देख सकते हैं। मैं कर दूंगा जिस दिन यूट्यूब पे बंद हो जाएगा उस दिन मैं एक घंटे में अपलोड कर दूंगा बस प्रॉमिस हाँ। ओके तो यहां पे मिस्टर सुरेश ऑफ राजस्थान सप्लाइड द गुड्स और सर्विसेज फॉर रुपीज क्या ट्वेंटी थाउजेंड टू मिस्टर रमेश ऑफ क्या राजस्थान बताओ दोनों राजस्थान में इंटर है या इंट्रा है प्राइस क्या है ट्वेंटी थाउजेंड एच जी एस टी एंड सी जी एस टी रेट अच्छा राजस्थान यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है तो या एसजीएसटी लगेगा या यूटी जीएसटी लगेगा एसजीएसटी लगेगा दोनों में से एक ही लगता है जीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नाइन परसेंट इच फाइंड द फॉलोइंग ये एग्जाम्पल 2018 में तीन मार्क के लिए इंटर एग्जाम में आया था 2018 की बात है ठीक <laughs> है डिटरमाइन द फॉलोइंग क्या टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी सेकेंड हु इज लाइबल टू पे जीएसटी पर आप क्या समझे आपको अब ऐसा पूछा जाएगा ठीक है ये तो बस अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि तब तो जीएसटी नया नया था ओके okay, पूछ लिया उन्होंने चलो निकालो लिखो पहला डिटरमिनेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज नहीं कैस्केडिंग इफेक्ट के लिए रुक जाओ अभी क्वेश्चन मत पूछो कैस्केडिंग इफेक्ट आईटीसी सेट ऑफ क्वेश्चन मत पूछो डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी बाय मिस्टर सी ठीक है देखो ना आप मेरी क्या वेट कर रहे हो पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीस ये आदत बंद करो वेट करना पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीस पर्टिकुलर्स में क्या सेल प्राइस कितनी है ट्वेंटी थाउजेंड नीचे लिखो सी जीएसटी एट द रेट नाइन परसेंट और एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट टोटल प्राइस कितना आ रहा है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड पहले का आंसर निकल गया दूसरा हु इज लाइबल टू पे जीएसटी सुरेश या रमेश जब भी यह सवाल पूछा जाए इज लाइबल टू पे जीएसटी यानी गवर्नमेंट को कौन देगा गवर्नमेंट को कौन देगा सुरेश सप्लायर जब भी एग्जाम में सवाल पूछा गया कि इज लाइबल टू पे जीएसटी तो अल्टीमेट यूजर नहीं वो तो बर्डन पास ऑन होता है गवर्नमेंट yeah. को कौन देगा वो बताओ yeah. तो सप्लायर तो लिखो सेकंड इसका का आंसर सेकेंड इसका का आंसर लिखो सप्लायर मिस्टर सुरेश सप्लायर मिस्टर सुरेश, इज लाइबल टू पे जीएसटी इज लाइबल टू पे जीएसटी द गवर्नमेंट ये टू द गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है टू द गवर्नमेंट देन कभी भी यह मिस्टेक मत करना कि अल्टीमेट कंज्यूमर इज लाइबल लाइबल टू पे जीएसटी मतलब गवर्नमेंट को कौन देगा कौन देगा इज इट क्लियर तो ये हमारा पी टू क्वेश्चन था तो यहां पर यह जो है चलो फटाफट ये डायग्राम को कंप्लीट कर लेते समझ लो मैन्यूफेक्चर है मुझे बताओ जीएसटी आने के बाद मैन्युफैक्चर पर एक्साइज वैट है या सिर्फ जीएसटी लगेगा हो गया हमारा सिर्फ कंप्लीट करना है कॉन्सेप्ट हो गया हमारा ओके okay, तो लिख दो ओके okay, मुझे बताओ जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर करके ये करेगा तो आज कौन सा टैक्स देना है उसको सिर्फ जीएसटी इंट्रा स्टेट होगा तो सी जी एस टी एस जी होगा तो आई जी एक्चुअली रिपीट हो रहा है पर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में रिपीट हो रहा है ठीक है तो नौ लिख दो यहाँ पे वैल्यू जो होगी वैल्यू समझ लो वन लैक है उसके ऊपर सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट और एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट कितना आ रहा है नाइन थाउजेंड और नाइन थाउजेंड ओके ये मैन्युफैक्चर होगा नीचे मेरे पास अभी स्क्रीन पे डायग्राम हाँ ट्रेडर है अच्छा आज आ, आप शोरूम है ट्रेडर है कार में सेल कर रहे हो तो ट्रेडर भी क्या देगा बेटा जी समझ लो वैल्यू वन लैख पचास वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ये रिपीट हो गया ओके बट ठीक है सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट और एस जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट निकाल लो कितना आता है तेरा पास ईच थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इच आप लिख लो ओके okay, और अगर मैं सर्विस दे रहा हूं कुछ स्टूडेंट फेस टू फेस सामने बैठे हैं कुछ ऑनलाइन देख रहे हैं अरे है ना अच्छा मुझे बताओ जो फेस टू फेस सामने बैठ रहे हैं वो क्या कहा जाता है इंटरास्ट रेट अरे है ना और जो ऑनलाइन देख रहे उसको इंटरेस्ट है इंटरेस्ट तो मुझे बताओ इंटरेस्ट पे क्या लगेगा सी जी एस टी और एस जी एस टी और इंटरस्टेड पे क्या लगेगा आई जी एस टी पे लगेगा आई इज इट क्लियर ओके हाँ अब लास्ट टेन मिनट्स आपका ध्यान चाहूंगा अब मैं फ्लेवर ऐड कर रहा हूं किसका बेटा आई जी एस टी का ठीक है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है नेक्स्ट टेन मिनट सबका ध्यान चाहूंगा आई जी एस टी जो भी कंट्री में जीएसटी मॉडल लाया गया उसमें आई जी एस टी कहीं पर नहीं है वन सिक्सटी कंट्रीज में जीएसटी चल रहा है उसमें सिर्फ इंडिया ही ऐसा है जिसमें आई जी एस टी कॉन्सेप्ट लाया गया हम चाइना जैसा नहीं कि है कि एग्जैक्ट कॉपी करते हैं हम कॉपी इन्वेंशन के साथ करते हैं <laughs> समझा हम हाँ, क्या कॉपी इन्वेंशन इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स लाया अब जो कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है आई जी एस टी सी जी एस टी का लॉ सी का लॉ सेंट्रल बनाएगा एस का लॉ कौन बनाएगा स्टेट बनाएगा एस का लॉ स्टेट बनाएगा S दोनों वर्ड टू वर्ड सेम तो आज सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को मैं यह प्रपोज करना चाहूंगा कि जब हम एक ही ट्रांजेक्शन पे दोनों मिलकर जीएसटी लगा रहे हैं तो हमें ट्वेंटी एट स्टेट के लॉस सेंट्रल के लॉस और यूनियन टेरिटरी के लॉस एक जैसे रखने पड़ेगे समझ में है ना एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम रखने पड़ेगे तो ही कहीं डिस्क्रिपेंसीज नहीं होगी एम्बिग्यूटी नहीं होगी लोगों में कंफ्यूजन नहीं होगा और जो जहां जो ट्रांजेक्शन सीजीएसटी में रहेगा सेम ट्रांजेक्शन एसजीएसटी में क्योंकि ये टैक्स हम मिलकर लगा रहे हैं अरे आया ना तो ये दोनों लॉ वर्ड टू वर्ड सेम है इसलिए अगर आप सेंट्रल सीजीएसटी पढ़ रहे हो तो आपने महाराष्ट्र एसजीएसटी पढ़ लिया समझ लो आप राजस्थान के हो तो राजस्थान जीएसटी पढ़ लिया समझ लो क्योंकि वर्ड टू वर्ड सेम है तो आज 28 स्टेट्स के 7 यूटी के और सीजीएसटी ये टोटल 28 एट प्लस सेवन थर्टी फाइव प्लस सीजीएसटी 36 थर्टी सिक्स सारे लॉ वर्ड टू वर्ड सेम है ये समझा समझाया नहीं समझा इसमें कोई डाउट और ये वर्ड टू वर्ड सेम है अब बेटा जहां तक है बट इतना ही है कि सीजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल को जाता है एसजीएसटी का कलेक्शन कल मैं मतलब एक आने वाले एक दो दिन में थोड़ी हमारी मैच्योरिटी आ जाए मैं जीएसटी एन पोर्टल ओपन करके बताऊंगा वहां जब आप चालान पे करते हो तो चालान में सीजीएसटी का अमाउंट अलग लिखना पड़ता है एसजीएसटी का अमाउंट अलग लिखना पड़ता है जैसे ही आप चालान सबमिट करते हो पेमेंट का उतना पैसा सेंट्रल वाला सेंट्रल में चले जाता है स्टेट वाला स्टेट अच्छा एक बार फिर से हम असेसमेंट मंथली करते हैं या ट्रांजेक्शन बेस करते हैं पेमेंट तो जो मंथ का पेमेंट में टोटल सीजीएसटी होता है और टोटल एसजीएसटी होता है सेंट्रल का सेंट्रल में जाता है स्टेट का स्टेट में जाता है इज इट क्लियर चलो बात क्या है बेटा आईजीएसटी आईजीएसटी लगता है जब मैटर दो स्टेट का है महाराष्ट्र से क्या गुजरात ठीक है अगर समझ लो आपका आपका यहां पे ये जो है समझ लो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है और इसका गुड्स लोड हो रहा है और ये ट्रक में लोड होके ये गुड्स यहां पे ये जो ट्रक है ये ट्रक महाराष्ट्र से जा रहा है गुजरात अरे है ना महाराष्ट्र से जा रहा है गुजरात तो यहां पे अब ठीक है तो अब जहां तक देखा जाए तो ये ट्रांजेक्शन क्या हुआ बाहर यहां पे ये ट्रांजेक्शन क्या हुआ इंटरेस्ट है जब मैटर दो स्टेट का है तो इसका कलेक्शन कौन करेगा अब मुझे थोड़ा इमेजिन करो आई जीएसटी नहीं होता और सिर्फ सीजीएसटी एसजीएसटी होता तो क्या करते जी निमेजी निमेज नहीं होता आई जी एस तो तो क्या लगाते ये ट्रांजेक्शन पे सी जी एस टी दूसरा कौन सा टैक्स लगाते एसजीएसटी अगर नहीं होता आई जी एस टी तो क्या लगाते सी जी एस टी और एसजीएसटी जो एस जी एस टी लगा वो लेता कौन सेलर स्टेट लेता या बायर स्टेट लेता दोनों में झगड़ा दोनों में झगड़ा अब समझ लो यहां तो दोनों स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर करें नहीं ये हमारा रेवेन्यू है हमारे स्टेट से गुड्स हो अगर हमारे स्टेट से गुड्स हो तो टैक्स मैं लूगा गुजरात कह रहा है सॉरी हमारे स्टेट में कंज्यूम हुआ है तो वो एस क्या हम लेंगे हो गया झगड़ा किसमें स्टेट्स में जीएसटी स्टेट रह गया बाजू में मीटिंग ही चल रही है तो गवर्नमेंट ने कहा वेट 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 जब दो स्टेट का मैटर रहेगा तो वो केस में कंट्रोल सेंट्रल लेगा नहीं समझा वो केस में कंट्रोल सेंट्रल लेगा और ये केस में टैक्स लगेगा कौन सा आईजीएसटी और आईजीएसटी का लेवी एंड कलेक्शन टोटली सेंट्रल करेगा ये समझ में आया क्या आई okay. जीएसटी का ओके okay. पूरा मतलब 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 मतलब, ये बताओ जो आई जीएसटी लगने वाला है इसके ऊपर के के आपके डाउट्स बचा के रखना okay, तो मैं बाद में लूंगा पहले, पहले वैल्यू यहाँ पे एक लाख रुपए तो ये एक लाख रुपए पे ओके okay, क्या लगने वाला है आई जी एस टी फुल रेट से लगता है अज्यूम करो एटीन तो कितना लगा एटीन तो ये आईजीएसटी सेंट्रल को अलग स्टेट को अलग या पूरा सेंट्रल को जाता है पूरा सेंट्रल को जाएगा समझ में आया क्या पूरा सेंट्रल को जाएगा मतलब क्या मतलब यहां पे यह जो पे होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा यस और नो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कितना होगा यहां पे? एटीन थाउजेंड रुपीज एटीन थाउजेंड पे होगा एंड बर्डन पास ऑन अब किसी को कोई इसमें ऑन क्या होता है ये तो डाउट नहीं है ना ऑन मतलब इन्वाइस में लगा के आगे कस्टमर को गब्बर सिंह वाला एग्जाम्पल सिंपल वे में समझ में आया क्या तो ऐसे केस में अठारह हजार क्या पे हुआ हमारा आईजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जमा हुआ अब कुछ स्टेट ने तो यहाँ तालियां बजा दी बेंचेस बजा दिए कुछ स्टेट खड़े हो गए कुछ स्टेट ने कहा वेट 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 ओके सर क्या पॉलिसी बना रहे हो आप आई पूरा सेंट्रल का रेवेन्यू हाँ, हाँ। मतलब सेल्स टैक्स हमने मर्ज किया एंटरटेनमेंट टैक्स हमने मर्ज किया हमारे सारे रेवेन्यू हमने कह दिया कि जीएसटी में आ जाएंगे अब हम अलग से नहीं लगाएंगे और आईजीएसटी का रेवेन्यू सिर्फ सेंट्रल ले रही है अरे बात को समझो तुम दोनों स्टेट में झगड़े हो जाएंगे फिर कौन लेगा तो ऐसे केस में सेंट्रल नहीं, नहीं सर ये आईजीएसटी सेंट्रल लेगा नहीं हमें स्टेट को चाहिए, स्टेट वालों ने अपने ऑब्जेक्शन रेस किए कि ऐसे कैसे? तुम्हारे एक्साइज तो हमारे भी सेल्स टैक्स है तुम्हारा सर्विस टैक्स हमारे भी अदर टैक्सेस है और आईजीएसटी खुद ही लेके जा रहे हो ऐसा नहीं चलेगा तो फिर सर आईजीएसटी जब सेंट्रल कलेक्ट करता है तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है देखेंगे टुमारो शार्प एट ए अरे हरे तो टुमारो शार्प एम। कल देखते हैं <laughs> तो कल देखते हैं। यहां पे। टुमारोज डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी बंधनों को तोड़ के आना है सो so, बाय बोलो बच्चों नहीं, नहीं नहीं कल संडे कल, कल क्लास नहीं है सॉरी कल क्लास नहीं है सबको बता देना मंडे को क्लास है मंडे को क्लास यस आपके कोई डाउट्स हो गए कल देखते मंडे को क्लास रहेगा आपके ऑर्डर आईडी डाल दो बेटा ऑर्डर आईडी डाल दो फटाफट भट। प्रिफरेबल टाइम डाल दो मेरी टीम कनेक्टेड है डाउट हो गए तो आप पूछ सकते हो डाउट हो गए तो आप पूछ सकते हो एप पे बेटा आपके वी स्मार्ट एकेडमी के लॉग इन करना है और वो लॉग इन करके डब्ल्यू पे जाना है टेलीग्राम लिंक भी वहीं मिलेगी वहां अपना लॉग इन क्रिएट करना है आपका लॉग इन वी स्मार्ट एकेडमी पे रहेगा तो अच्छी बात है नहीं तो आपको आपका मेल आईडी डी परचेस करते वक्त जो आपने डाला था वो डाल के रिसेट पासवर्ड करना है आपका लॉग इन क्रिएट हो जाएगा और वो लॉग इन में जाने के बाद आपको सारा इंक्रिप्शन की सॉफ्टवेयर का लिंक सब मिल जाएगा उसके बाद भी आप अभी अपना इनवाइस नंबर नहीं ऑर्डर आईडी ऑर्डर आईडी डालो ऑर्डर आईडी डालो और प्रेफरेबल टाइम डाल दो अभी तक मैंने नमन अपलोड ही नहीं किया आज मैं आज कल का और आज का दोनों लेक्चर अपलोड कर दूंगा यस हैंड रिटर्न नोट भी मैं डाल दूंगा एक्साइज हटा दी ना गवर्नमेंट बेसिक कस्टम ड्यूटी रखी है सिर्फ अल्कोहल पे उसका लॉजिक कल आएगा अल्कोल हाँ तो कल कर कल ले तो लॉजिक पेंडिंग रखा नहीं मैंने हाँ हाँ यही यही तो लॉजिक पेंडिंग रखा है मैं कल लेता हूँ कर कल लेता हूँ ये आप ऐप में ऑर्डर आईडी क्यों दे रहे हो बेटा आपको क्या दिक्कत हो रही है हुँ?